भाई प्रकृति को बचाना चाहिए, केरल के कोनो नदी से रेत नहीं निकलना चाहिए, ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं। आपका केरल रेत आज केरल के कंस्ट्रक्शन बिजनेस को बचा रहा है, इसमें 1.5 करोड़ रुपया है। बाबू सर हाथ ऊपर, हम सीबीसी एरिया ऑफिसर, हम तो के रंगे हाथ पकड़े खातिर आए हैं। तारा जैसा सच्चा इंसान के देख के कितना गर्व महसूस हो रहा है। बाकी हम जहां हैं, तारा जैसा इंसान नहीं होना चाहिए। मारा मारी, हत्या करना, गुंडागर्दी कैला के बाद अभी राजनीति में कदम रखे हैं हम। ये मामूली पैसा नहीं है रे, आवे वाला इलेक्शन में हमरा के जितावे वाला पैसा है। एकरा बीच अगर के हुआ है तो ओकरा खातिर हम यमराज हैं। सांझ तक वो 16 गांव सब में ये 75 लाख जाके दे दो। ठीक है जा। ठीक रामपुर के चेक पोस्ट पर एक गाड़ी दुगो कांस्टेबल के टक्कर मार के रोके बिना भाग गया सर। जब भागत रहे तब तुम सूतल रहे। यस सर। कहाँ? नो सर। ए, क्या हुआ देख तो। ठीक है। वो तरफ देख। अरे भाई, भाई देखो बुलेट। क्या कहा बुलेट? अरे का बकबका रहे हो जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामपुर के फैक्ट्री में 10 लोगों को भेज रहे हैं, जिंदा लौटेंगे इसका कोनो भरोसा नहीं हम लोग को। अरे फोन करके वो सबको काहे बुला रहा है? अरे कुछ हो गया तो क्या करेंगे रे? तो का भाई, एगो है ये बुलेट के तरह, एगो छोटा लौंडा है, बहुत खतरनाक है, हाथ में आ गया तो फाड़ के रख देगा। शिवाजी द बॉस है ना, वही तरह। ये है वेलू, वेलू द मास। बुलेट टायर पर लगा है, वो कहाँ मारता है पता है का तुमको? मारना शुरू करता है तो हवा टाइट कर देता है सबका। हम वह सोचे कि शिव, अरे बाप रे, अरे वो आ गया रे। अरे भाग, अरे बाप, वो कहाँ से आवा था देखो। अरे बाप रे, मर जाएंगे रे। का हाथ में जे रहेगा वो दिखाएगा का। तुम हमरा पे गोली चलाओगे ना तो समझ लो तुमको जेल में बासी खाना और पत्थर तोड़ना पड़ेगा, और ऊपर से वहाँ जौन भी ट्रीटमेंट मिलेगा ना, कौनो भी काम का नहीं रहेगा, तू वहाँ पंचर टायर की तरह बाहर आ जाएगा। इसलिए जो कर रहा है सोच समझ के करना, बाकी हम ना सोचने के बाद ही एक्शन पे उतरते हैं। काहे रे, टटवा नीचे नहीं गिर रहा है का? बाकी अगर हम तान दिए ना तो तुम यहाँ नीचे गिर जाओगे, पता है काहे? हम आईने की तरह हैं, अगर हमरा के देख के हंसेगा तो हम हंसेंगे, हमला करेगा तो हमला करेंगे, अगर गोली चलाएगा तो जान से मार देंगे। तू कह रहा था कि वो बड़का तोप है, उसका गन हमारे हाथ में आ गया था भाग गया। कह रहा बिलवा कहाँ है, आओ रे बाहर। अबे चिचिया मैं, तू बाहर आ जाएगा। भाग गई, आवा बैठा, ओके जी में पैसा ले जाई जाई। अरे जल्दी पैसा ले, क्या रे कार चोर गई का। हाँ
अरे बाप रे, तो देख रहा इधर है। अरे आवाज तो अभी नहीं किया, ये सबको तोड़ दिया का तुमने? साउंड प्रूफ मारता है रे। और बचा होगा, वो कहाँ गया? भाई अभी जो आया वो बहुत वॉलेंट है, तो हर साइलेंट वर्क आउट नहीं होगा। कमीना सब, जौन तुम लोग अभी देखे ना, वो पुलिस फाइट था। अब जो तुम लोग देखने जा रहे हो ना, वो राउडी पुलिस फाइट है। फोन बज रहा है भैया। रिंगटोन बड़ी मस्त बा, फाइट के बारे में बहुत जान गई। अबे कहाँ है बे, फाइट के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, जो करे। पैसा दे रे, नीचे फेंक। अरे भाड़ में अगर नहीं देगा तो थोड़ा मार देंगे। अरे बोला ना दे। अरे हाँ जा पकड़। अरे कहाँ ना। अरे बाप रे, इतना चटनी बना देगा। अरे भागो। अरे बाप रे, नहीं 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 ये बताओ कितना सारा पैसा कहाँ से आया? बहुत मेहनत करके रेती चुरा के कमाया हुआ पैसा है सर। अबे केकरा मुंह में? मुंह में ना सर, लॉरी में। तो रेती चोरी का काम कर रहे हो और ऐसा बोल रहे हो? है अबे भैंसा कहीं के, अबे तो फोन बज रहा है, उठाओ ना। आप डांस कर रहे हो भैया? डांस तेरी की, सबसे पहले फोन उठाओ। अच्छा उठाते हैं। देकर फोन है बे? माँ का है भैया। माँ के? हाँ हाँ भैया, माँ के इंतजार ना करावे के चाहिए। चल जल्दी बात कर और माँ के हमार प्रणाम बोल दे। है ठीक है भैया। तोर माँ से याद आई? हाँ। तेरी माँ से को बात पूछ के आई है कि माँ ऐसन बेटा के चोर काहे बनेली? ये मुमकिन नहीं है सर। काहे बे? माँ मर गई है सर। ऐसन बात बा, अगर वो होती ना तो तोरा के अच्छा इंसान बने। अभी भी जो हम कर रहे हूँ अच्छा काम है सर, जनता में बांटे खातिर ही पैसा है। इलेक्शन में जीते खातिर जनता के ही पैसा बांटे जा रहे हैं ना? ऐसा भी कह सकते हैं सर। वोट खातिर भी पैसा देना बहुत गलत है और लेना भी गलत है, और ऐसे भी ज्यादा गलत है पैसा लेवे के बाद वोट ना देना। तो चल हम वोट डाल देता नहीं। ये वैल्यू है हमारे वोट की। ऐसे पहले ही बताए थे, ये तो सुपर वोट दे दिया रे। फिर से हम लेट हो गए, और एकरा अलावा स्लो मोशन, जल्दी चलो। वेलकम हमार लेट आवे वाली पुलिस फोर्स। यस सर। अर्जेंट पुलिस फोर्स नाम है ना, तो फिर इतना लेट कहाँ आए? आते समय देरी हो गया सर, ओकरा कड़ा मेहनत से बंद करके आवे में देरी हो गया सर। सर
आधा रास्ते में डीजल खत्म हो गया था सर, हमारे पास जितना खुदरा था हम सब लोग पहले उसको इकट्ठा किए, उसके बाद आधा लीटर डीजल डाले और फिर यहाँ पहुँचाए सर। पुलिस लास्ट में आता है, उसका वजह यही सब है का? नहीं सर, डिपार्टमेंट के सेक्रेटर ऐसे सरेआम मत बात क्या करो, नहीं तो लोग के दिल में हमारा जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, पहले ही लोग गिरा हुआ नजर से देखता है। ए, गिरल नजर से हमरा के एको बात याद आई, तुम्हार ससुर जी क्या कर रहे हैं कल? आप सही बोले हो, हमेशा गिरा हुआ काम ही करते हैं। जोना पे गुस्सा में ना इसन कॉमेडी मत किल कर। चोर कहां बा सर, वेयर इज द एक्यूज सर? वो लोग तो यहाँ से भाग गए। कितना मुश्किल से कोई इन्फॉर्मेशन दिया और आप एक्यूज को छोड़ दिए सर। वो लोग के क्या जरूरत है, पैसा तो मिल गया ना। फिर भी वो लोग को हैंड ओवर कर दिया जाता तो प्रमोशन मिलता ना सर। अच्छा तुमको प्रमोशन चाहिए? यस सर। नमस्कार, आज के ताजा खबर, गुंडा लोग और हमारी लेट पुलिस वालों के बीच हुई झड़प में हमारे कांस्टेबल मूर्ति जी को गुंडों के हाथ गोली लग गई। आप काहे दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं सर, ये मूर्ति तो आपके सामने बिल्कुल एको पहाड़ जैसन खड़ा है सर। यहाँ पे किसी और को प्रमोशन चाहिए का? हमको नहीं चाहिए सर, ये दोनों को दे दीजिए सर। ऐसे भी ये दोनों दौड़ भाग के चोर को पकड़ के अवार्ड तो ले नहीं सकता है, ऐसे गोली खा के अवार्ड ले सकता है सर। कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, इन लोगों के हाथ से जो प्रमोशन हमको नहीं मिला था वो आपके हाथ से मिलेगा, यही सोच के आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू सर। तुम अवार्ड ले लिया ना तो तुम फिर शिवाजी की तरह इसे कैसे उठ सकता है, जितना फालतू का डायलॉग मार रहा है, फोन को बंद कर नहीं तो परलोक चला जाएगा। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं सर। ये ऐसे चुप नहीं रहेगा, अगर दूसर को हाथ में गोली मार दे। नो नो, आप साधारण पुलिस वाला नहीं है सर, आप ग्रेट पुलिस वाला है सर। टेक इट, खरीदेंगे भाई, एक कैश से 4 जीप खरीदेंगे, अब यहाँ कुछ भी पुराना नहीं रहेगा, सब नया होगा। माँ, अरे पानी काहे नहीं आ रहा है? काल दोपहरिये से बिजली नहीं है बेटा, अब काले आएगा ऐसे लाइन मैन बोला है, हम पानी लाते हैं, नहा के चल जाना। अरे तुम ही सब काहे कर रही हो, तुम्हारा दुलारा बेटा कहाँ है? नयनतारा। अबे नयनतारा चाहिए ना। का यार, का कर दिया? माँ मेहनत कर रही है ना, जाके पानी भरूंगा। उसको काहे तकलीफ दे रहा है, वो बेचारा रात के 2 बजे तक मिल में काम करके थक के सोया है, परेशान मत करो, थोड़ा और सुते दो उसको। ला हमरा के दे। मिल के रामाटा किसने कब बदल दिया, सिनेमा देखने गया था ना? सिनेमा देखने नहीं गए थे, ओकरा पहले को न्यूज रील लगाया था अंबानी के बारे में, ओकरा देख के जिंदगी में कैसे तरक्की करना है सब सीख गए। तू फालतू में हमरा का उकसाओ मत, देखा खींच के हमेशा सिनेमा का डायलॉग बोलता रहता है। तुम अगर मिल ठीक से चलाते तो फिर कर्जा काहे होता, नालायक कहीं का। पगला गए हो, हम तो कौनो लायक नहीं है, मिल भी कर्जा में ही है, घर का जरूरत हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मान नहीं बात। साहब तो समझदार है ना, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, हर तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो घर का जरूरत पूरा कर सकते हैं ना, फिर एको बड़का जनरेटर भी तो खरीद सकते हैं। माँ मेहनत कर रही है, बात करने से काम नहीं चलेगा, मदद भी करना चाहिए। हेलो, हमरा माँ खातिर क्या करना है हमके पता है, काहे कि तुमसे पहले हम अपनी माँ को जानते हैं। ए, ये सब का है, तू केकरा से बात कर रहा है, पता है ना? पता है माँ, श्रद्धा है, समझ रही हो का, हमें नीचा दिखाते रहते हैं, इनका बेटा तो कोनो काम का है नहीं। ये फिर शुरू हो गया चादर में। देखरा बारे में सोचे थे कि वो कोनो काम का नहीं है, वो पुलिस वाला बन के इतना तरक्की कर रहा है तो इनको जलन हो रही है। ए, का बोल रहा है? हा? इतना बड़ हो गया है, बड़ से ऐसे अनादर से बात करेगा का? तुमको जितना चाहिए ना उतना आदर देंगे हम तुम्हें, लेकिन एक बात तुम भी जान लो। का जान ले? तेल की मील है, इस खातिर डोसा में अगर 2 लीटर तेल डालोगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए तेल कम कर दो, मील का कर्जा भी कम हो जाएगा, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। वो कुर्सी को लात मार रहे हैं ना, हम इसको मारे। अरे उठ रे, खरीद देंगे, सही में जनरेटर खरीद देंगे, तुम और तुम्हारा बाप सुख से रह पाए इसलिए नहीं, हमारी माँ को मेहनत ना करना पड़े ये खातिर, समझे? माँ के पास तिजोरी की चाबी है, उनसे जाके पैसा ले लो और एक तो जनरेटर खरीद लो। हम तुमसे यहाँ बात कर रहे हैं और तुम सोए रहे हो? सोचे थे आज ना आएंगे नहीं, बाकी क्या करें, अब लोटा से पानी फेंक दिया तो ना आना ही पड़ेगा ना। हमरो हाथ में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? तहरा जैसन गदहा के नहावे के। ऐसे घुमा रहा है जैसे चारों टायर फट जाएगा लग रहा है। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तोरे पैसा का जीप खरीदाया हो, चाहे टायर फाड़ दे, जीप तोड़ दे, उससे तुमको का है? अरे हड़पल पैसा से खरीदा हुआ है ना, फट जाएगा तो बदल लेंगे। टायर ना फिनिशिंग है का? यस। का डिस्कशन हो रहा है? चोर को टोपी पहना के उहे पैसा से डिपार्टमेंट खातिर नया जीप खरीदने वाले पहला पुलिस वाले आप ही हैं सर, हमारा मतलब रावड़ी पुलिस आप ही हैं। अभी नया जीप है ना, इसे अभी क्लाइमेक्स में नहीं जाते हुए एक रील पहले जाके कार को फट से पकड़ सकते हैं, है ना सर? तो कहा है ना कि चोर से हमें याद आया, तुम्हारा भाई कहाँ है? पिछला हफ्ता अम्बासा मुंद्रा बैंक में डाका डाला का वॉचमैन बन गया सर।
चोर के हाथ में तिजोरी के चाबी। जैसे हमको पुलिस का नौकरी दिया गया है। क्या हाल है मूर्ति जी, यहाँ सब नर्स लोग बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया है सर। सर सर सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर। हमारे तबियत के बारे में पूछे कि यहाँ के नर्स के बारे में पूछे? तू तो उन्हीं लोग के देखा था ना। हमारी तकलीफ हमके ही पता है, जो हाथ से खाना खाते हैं वह हाथ से धोवे पड़ रहा है सर। तो एक दिन बिना धोए खा के देखना। नर्स के बारे में पूछे तो तू धोए के बात कर रहा है? ये आदमी के कंधा पे गोली नहीं मारना चाहिए था सर, थोड़ा नीचे पैर में गोली मारना चाहिए। नमस्ते साहब। नमस्ते, आप के हैं सर? ये हमारी औरत है सर, लीजिए। सब पुलिस वालन के दे दो। हाँ, सर, सरकार इतना जल्दी सैंक्शन कर दिया का सर? सरकार का पैसा नहीं है, कल जो पैसा छीने उही में से दे रहे हैं तुमको। घायल भेला पर 50,000, मर गेला पर 1,00,000 सरकार देती है। हमने कहा सर ऐसा नहीं है रहे, चोट लगला पे 1,00,000, मर गेला पे 5,00,000 दे देंगे। ये 1,00,000 रुपया तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी के हाथ में मिलता, लेकिन हम तुमको जिंदा रहने पे ही दे रहे हैं। ये बताइए 1,00,000 काफी है या 5,00,000 चाहिए? सर सर, हमारी औरत खातिर काफी बात सर। तोरा के अपन जान इतना प्यारा है। ठीक है ठीक है, एक हफ्ता के बाद काम पे आ जाना, समझे? पैसा रखल के ना बीवी के दिए। आप एक हफ्ता में कैसे जा सकीला? सर तो ऐसे ही बोले, बाकी इंसान बहुत ही अच्छा है, थोड़ा अलग तरह के पुलिस वाला है। बाप रे, कितना पैसा, ये तो पूरा गांव वालन का जनरेटर खरीद के दे सकते हैं। तू यहाँ काहे आया? ये ओकर डिपार्टमेंट का पैसा है, ये लो। ये हमारा जनरेटर खातिर और हमारा कमीशन। ये का कमीशन? ये हमारे घर खातिर खरीद रहा है। हो सकता है, बाकी हम धूप में जाके दुकानदार से बात करेंगे, ओकरा कमीशन तो हमको मिलना चाहिए ना, मेहनत का हमरे। तोहार भाई इतना देवे खातिर बोला है, जाके ओकरे से मांगा। का है? खाली हुए तोहार बेटा है का? हम तोहार बेटा नहीं है। ए ए, वो तो हमेशा ऐसा बात कर करके हमार जान लेता है, तू गधा जैसा बात काहे कर रहा है? तुम भेदभाव बहुत करती हो अम्मा, ओकरा से तोरा के बहुत प्यार है, हमसे प्यार नहीं करती हो ना? हां हां, बहुत हो गया। ई लो। एनिमी, हे आराम से। टंटाई सब देख रहे हैं। अरे टाइम हो गया, अरे जल्दी करो, फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ है? ओहो, हेलो, माय नेम इज केपी। Yeah, start the music. Hey! अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ए हटा हटा हटा, चल नीचे उतरो। ए अरे, गाना काहे बंद कर दिया? हमको बहुत मजा आ रहा था। हमारे बाबूजी। अरे कौन बाबूजी, हम किसी को नहीं जानते हैं। मार डालेगा क्या? अभी तक कितना कमा रहा है बेटा? सिनेमा देख के डायलॉग मारते हुए घूम रहा है का? हमारा बारे में आपको पता नहीं है? एक बार नीचे देख लेना तो धरती कप कपा जाती है, ऊपर देखते हैं तो आकाश फड़फड़ा जाता है, बिजली कड़कती है, बारिश होने लगता है। अरे अरे अरे, अरे। ई का बिजली नहीं कड़का, बारिश भी नहीं हुई। वो कहा कि सवेरे टीवी पर मौसम का जानकारी दे रहा था, वही पर भरोसा करके हम डायलॉग बोल दिया। और का लो सब कह के हमारे बेटी के पीछे भागल बंद कर दे। तू हमारे बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो और बाबूजी, 15,00,000 दहेज देवे वाले के बेटी से ही तो शादी करवाएंगे, ऐसा अंजित पकड़ के बैठे हैं। हमारा पास तो भाई इतना पैसा है नहीं, ऐसे कह रहे हैं, हमार बात मान के इज्जत से चल जाओ। धमकिया रहे का? साहेब बहुते उड़ रहा बा, काट डाली का? तो काट ना के काट जो जाना, अपन पिता से इतने हिम्मत से बात कर, ओकरा बाद देखेंगे। तो चल, दोरी के कितना बार बोले ये नहीं होगा, बोले ना सुनती काहे नहीं है, हमारी इज्जत खराब कर रही है, चला। निर्मला, लड्डू। रामपुरम के जनता की अभी तक पैसा पहुंचा नहीं है, जॉन लेके गया है, ओकर अभी तक फोन भी नहीं आया है। वो पैसा वहां पहुंचेगा तब भी हम जीतेंगे।
वो बेवकूफ लड़का सब कहाँ गया जरा पता लगाओ तो। ये कई लोग फोन कहने उठा रहा है। पैसा ले जाके क्या कर रहा है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मान जी आज के दिन वहाँ की जनता को पैसा बच जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम सबके काट डालेंगे। डर के मारे तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वो पैसा जब तक हम गांव वालों की बांटेंगे नहीं हम यहाँ से नहीं जा सकते। पहले वो इंस्पेक्टर वाले के घर कहाँ पता लगाओ। हमारा मौत लगता है पास आ गया है। अरे भाई वेलू कृष्णा जी का घर कहाँ है? अरे शलवम बोला चाचा जी क्या हुआ? ये बेलू कृष्णा के घर के बारे में पूछा था। बेलू कृष्णा जी तो अपन घर नहीं बेच रहे हैं। बोला कट के बगल में 100 गज का जमीन है वो चाहिए तो पूछ लीजिए। अरे भाई हम बोले पता पूछ रहे हैं। अच्छा पता पूछ रहा है उनका पता कहाँ चाहिए? पलंग वगैरह कुछ डिलीवरी लेके आए हो का? पिछला हफ्ता अपना बहन के रिश्ता लेकर आए थे हम। काका तोर बहन? हाँ। करे तोरा पैदा होते ही तोर बाप के संन्यास लेना चाहिए था। ऐसे में कौन हिसाब से वो औरे को बेटी पैदा की? हाँ भाई सर हमारा बहन तोता दिखती है। अच्छा तोता जीसन? हाँ। अच्छा ये बताओ मैना जीसन होती तो क्या हो जाता? ये सब छोड़ के शादी करवाने की बात कर रहा है। बहन के ससुराल के बारे में नहीं पूछ सकते? बकबका रहे हो झूठे में तुम। हाँ हाँ ससुराल के बारे में जरूर पता करना चाहिए। तुम एक काम करो वो तरफ जाके दाहिने मुड़ जाना। अच्छा वहाँ शिवालय आएगा। वहाँ से बाएं मुड़ के तेगो कंस्ट्रक्शन आएगा। फिर बाएं मुड़ के दाहिने मुड़ोगे ना तेगो सोडा कोट आएगा। बस ओकरे पास में ही है। अच्छा, ओकरे पास तो बड़ा समझदार हो। चलो जाओ। अच्छा, जाओ ठीक है ठीक है। हे हे स्टेट 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 हे टेंपल टेंपल शिवालय शिवालय हाँ कंस्ट्रक्शन राइट 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 ले रहे कमीना। बस बस आगे इज्जत से बतावा पता जाना थोड़ा कि ना। अरे एड्रेस हमको पता है मुंह बंद करके बैठो भैया चले। हे लेफ्ट ले रहे लेफ्ट। अरे ऐसे कहे चल रहे हो हम बता रहे हैं ना तुमको। चलो चलो। हे स्टॉप 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 राइट में सोडा कोर्ट है और लेफ्ट में आवा साले साहेब आवा आके दुल्हा राजा के देख ला पुराना जमाने के टेलीफोन एगो ग्लोब टेबल चेयर बंदूक अटैच बाथरूम के साथ जेल भी बा ओके देख ला। केकर से पूछे थे एड्रेस? अरे भैया ये तो वही आदमी थे इसी से हम एड्रेस पूछे थे यही तो हमको बताया था यहाँ आने के लिए। कहा ओकरा से? हाँ भैया दुल्हे राजा जी आपके देखे खातिर लड़की वाला सब आया है एक बार आके देखिए ना। अरे भाग भाग बोले थे तो हमारी एड्रेस मिटावे खातिर लाया करे। जे भी पतला है वो राइट साइड जाए। यस सर। जे मोटा है वो लेफ्ट साइड जाए। ओके सर। और जो फीट है वो हमरा साथ आए। फीट को नहीं है क्यों भाई यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है लगता है सब चल गई। अरे चले गए होंगे तब हम क्या करें? अरे तो फिर अंदर चलते हैं। चलो चलो। हाँ चलो रुक रे रुक 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 बंदूक देख के भी डर नहीं रहा है। ये का गुरु पुतला जैसन काहे खड़े हैं? विपक्षी पार्टी को खतरनाक हथियार दिखा के डरवा रहा है का? सर सर क्या हुआ गुंडा लोग के पकड़ लिए का? इतने जल्दी पकड़ लेंगे उसे कोनो ब्लाउज का हुक है का? वो तो सिनेमा के भूत के जैसन घपा घप भागे जा रहा है। पैर के नीचे शूट कर। पैर के नीचे मैंने जमीन पे। ठीक है आप वहाँ इनकाउंटर कीजिए हम यहाँ करते हैं लाश कहाँ गिरता है देखते हैं। ए रुक रे वो कहा है कि पुलिस और गुंडा लोग के बीच लफड़ा हो गया है तो यहाँ पे चेजिंग चल रही है चारों तरफ फायरिंग हो रही है और तुम दरवाजा में कुंडी लगा के काम नहीं कर सकती का? तोरा जैसे लड़की के पब्लिक के नुकसान ना पहुँचे के चाहिए। नुकसान हुआ तो हमें दुख होगा और कितना दुख होगा तुम नहीं जानती हो। अच्छा ये बताओ शादी हो गई है का तुम्हारी? ना। अकेले रहती हो यहाँ? ना। तो फिर? हमारे बाबूजी हैं। अच्छा वाह। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सोने दो सोने दो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लिए कोनो रिश्ता देखे हैं का? ना। बहुत अच्छा किया किस्मत अच्छी हमारी तुम्हारे हिम्मत के दाद देना चाहिए अभी हम अपना कर्तव्य निभाने जा रहे हैं।
हमरा पीछा कर रहे हो? कहा है भाई? फोन पे क्या देख? हमार गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है? हाँ तो राके तब ये तो बदनाम कर दिया यार। कमाल की सुंदरता है, चमकता हुआ सोना। निडर खड़े हैं देश की रक्षा के, उसे हम अपनी जान दे के बचाएंगे। वोट के लिए पैसा बांट रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जॉन डायलो को गुस्सा में बोलना चाहिए, वो इतना प्यार से काहे बोल रहे हो सर? इस देश में जो भी अपराध करेगा हम उसको जान से मार देंगे। मर गया का? ना सर, वो फिसल गया। कहाँ चला गया? ये सब का है सर, भुखाइल इंसान जैसे बिरयानी को देखता है, वही तरह से वो लड़की की आंखें फाड़ के देखते हुए आप गोली वेस्ट कर दिए और वो भाग गया। भले इस बार वो यहाँ से भाग गया, लेकिन अगली बार वो बच के नहीं जा पाएगा। हम ही देश के लिए अपनी जान तक दे देंगे। आप जान दे देंगे कि कुछ और दे देंगे, वो सब बाद में देखते है ना सर। अभी चलिए सर, चलिए चलिए, हम छोड़ेंगे नहीं। सुन लीजिए ना सर, चलिए चलिए चलिए, आइए सर, आइए आइए। गेटअप आप पे अच्छा लग रहा है। तनाश की हमारे बीवी के नाम पे एगो प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉब्लम आया था, तब आप ही हल किए थे ना। आपके साथ हमारा सपोर्ट पूरा होगा, आप चिंता मत करिए, आप ही जीतेंगे। का कलेक्टर जी, पराया जैसन बात कर रहे हैं, जिता देंगे कहिए। भैया सभी लोग आ गए हैं। पैसा का काम? भैया भैया फोन भी नहीं उठाया, पैसा कहाँ है? भैया वहाँ एगो है ना भैया। कौन है वो? डेनियल क्या कर रहे हो? इलेक्शन के खर्चा के पैसा लेके भेजे थे, गवा के लौट आया है, मारे नहीं का ही सब। धीरज रखो, इलेक्शन खत्म होने तक गुस्साए चिड़चिड़ाए मारे सब बंद करे होगा। तुम अभी बॉक्सर नहीं एमएलए कैंडिडेट हो। हाँ तो जैसे जनता से वोट मांगते हैं, इस सब को भी का हुआ साहेब? का हुआ साहेब? पैसा के का हुआ कह के इन सबको विनती करेगा? ठीक है, अभी के अभी हमारा वो 75 लाख चाहिए, कैसे आएगा? ए, कौन एरिया वाला है? रामपुर का इंस्पेक्टर है साहब, शिवाजी द बॉस जैसन, वेलू द मास जैसन। जनता को जो पसंद आता है ओकरा वोट देता है, एकरा जो पसंद नहीं आता है ओकरा वोट देता है। बड़ा अजीब साहब, क्या बोल रहा है तोरा के तो? रुका रुका, गुस्सा मत करा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? हम है ना तारा पास से लिया हुआ पैसा वो 2 दिन में तारा हवाले करेगा। आफ्टर ऑल एगो इंस्पेक्टर आवे था, ओकरा साथ हम फुटबॉल खेलेंगे। वो पैसा हमारे हाथ में आवे के चाहिए। आठवां स्थान में शुक्र जब उचित स्थिति में होगा तो रवि कहाँ होगा? बहुत मस्त है, थैंक यू सर। गला में जो होना चाहिए होकर के कमर पे क्या पहना है? देवी स्वर्ग से उतरती है और ये कहाँ से उतर के आ रही है? अपना बेकार मुंह से रामायण महाभारत का गाथा सुना रहे हो? सॉरी सर, गलती से देवी कह दिए, पियक्कड़ लग रही था। कांग्रेचुलेशन सर, आप सही में बहुत अच्छा पार्टी को अपन पार्टनर के रूप में सेलेक्ट किए हैं। शादी के बाद घर के बाहर रंगोली बनाएगी कि नहीं बनाएगी पता नहीं, लेकिन आपके साथ बैठ के दारू जरूर पिएगी, बहुत मजा आएगा। और दारू पियला के बाद जैसे आप हम लोगों से करवाते हैं ना लेफ्ट राइट, वो आपको करना पड़ेगा। और ऐसे ही लटक मटक के वो अपने नखरों के साथ थोड़ा आप भी लीजिए लीजिए ना बोल के आपका पूरा साथ देगी सर। सही कह रहा हूँ? आप अपने चेहरे की तरह करेक्ट बोले। तू थोड़ा दूर ही रहे।
कौन है रे? दारू कम पड़ गया का? ऊपर से पानी फेंक दिया हम लोग। अरे रोज के लिए काम है। अरे का कर रही? अरे रुको, बैठी बैठी बैठी, रुको रुको, मार कहाँ है? रुको, अरे पानी कहाँ फेंक दिया हम लोग ऊपर? अच्छा, अरे सब उतर गया हम लोग। चुप करो भाई। अरे अरे कहाँ लेके जा रही? अरे सुनो हमार बात, सुनो सुनो सुनो, घर चलो। अरे नहीं बेटी बेटी, समझो कौन है? ऐसा लग रहा जैसे चावल के बोरा को बनियान पहना दिया है। है अरे पुलिस छोड़ो हाथ, है पुलिस आ गई रे पुलिस। अरे तो गैर कानूनी दारू और शराब खाने में कोनो फर्क ही नहीं लग रहा है। कंप्लेन कर दो, कोनो लफड़ा किया है का? तुमको डरने की जरूरत नहीं है, ये खाकी है। केहू कोनो भी गलती किया हो, सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? हमारे बाबूजी। अरे वो लड़की के देख कैसन रसदार फल जैसन बिया, और ओकरा के देख कैसन जरा लकड़ी जैसन बा। ये लड़की होकर बेटी है, लगता है कहीं से उठा के लाके पाला होगा। तार अंदाजा सही बा। अंदाजा पीछे हो। वो तो तुमको कोनो और नाम से पुकार रहे थे, उसका क्या मतलब होता है? पता ना। मतलब नहीं पता है तुमको? हमको नहीं पता। ठीक है, बाप तो तुम्हारा नशा करता है, लेकिन तुमको तो देखने से ही नशा चढ़ जाता है। यस सर। ये लड़की तो सोने की तरह है, और एकर बाप पियक्कड़ है, यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लीजिए सर, गांव का सुंदर लड़की सब ऐसे बानर के घरे पैदा होती है। आपके बानर कहते ही तार ससुर वाला सब कैसन होगा, इस सोच के कॉमेडी। जरूरत से ज्यादा कॉमेडी कर तो मारा लीजिए। चलो मुनीम जी, एक काम कीजिए, नरसू के पास 45 गुट्टीन भेजवा दीजिए, और सलीम के पास 35 गुट्टीन। बाबूजी, और अरे का है? बहुत जरूरी बात करने आए हैं, और आप हिसाबे में अजुराए हुए हैं। मिल के हिसाब से ज्यादा जरूरी ऐसा कौन बात है? हमारे ब्याह के बारे में नहीं सोचेंगे का? मैं सोचे का क्या बात है? रामा राव से बात करके ब्याह करवा दीजिए ना हमारा। तू बुड़बक है का? तोर समस्या का है? तोर भविष्य के बारे में सोच के ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक तो तू कोनो जिम्मेदारी नहीं लेता, और ऊपर से हमको सुना रहा है। ए सुन, ये मिल बिजली से नहीं चल रहा है, कर्जा से चल रहा है, कर्जा से। तोर शादी में जो दहेज आएगा ओकरे से कर्जा चुकावे को सोचत है, और तू जेकरा पास 10 पैसा भी नहीं है, और रामा राव के बेटे के साथ लव सब करता है। तक आपन पसंद के लिए किसे बिया ना करे का? हम मारेंगे तो बत्तीसिया झड़ जाएगी। एक बात सुन, तोर शादी वो हम तय करेंगे। जिंदगी के बारे में कुछ पता है तुमको? ए बेटा, मिल के अच्छा स्तर पर ले आके तोके एकर मालिक बना के सब तोरा हवाले करेंगे, तबे तू अपन जिंदगी शुरू कर पाएगा। और तब तक मुंह बंद कर, अगर हमारी बात तो नहीं मानेगा ना तो घर से निकल जा। हे, जा गाड़ी में बैठ, सामान उतारने के बाद हमको फोन करना। चल रे भाई। निर्मला डार्लिंग, तू दाम रख। वो आ रख दा, पिछला हफ्ता जौन कर्जा लिए हो कब दोगी? हम तोरा से ही पूछ रहे हैं। तेरी चाल मस्तानी देख के हो जाए दीवा। ये कहा है, घर को ऐसे खुला छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम? कल को तुम्हारे घर में कोनो चोरी चकारी हो गई तो हम खाकी वालों को ही परेशान करोगी? क्या चाहिए आपके? मटका। कितने का है? 250। ओहो, ये तो हमसे भी बड़ी लुटेरी है। हमारा पास छुट्टा नहीं है। कौनो बात नहीं है, अगली बार आएंगे तब ले लेंगे, रख लो। मटका बढ़िया है ना? एक खरीदेंगे तो दूसरा फ्री दोगी का? हमरा पास कहो के कर्जा रही हमरा पसंद नहीं। एगो काम कीजिए, ये रख लीजिए, पैसा दे के ले लेंगे। अरे तुम तो ईमानदार भी हो। चलते हैं। 4 लाइन बतियाने के लिए 500 रुपया खर्च हुआ, 4 लाइन और बतिया लेते हैं। 500 रुपया और जाएगा। सॉरी, हाथ से फिसल गया। अरे बाप रे। ये लो। हाथ से जौन फिसल गया ओकर पैसा हम नहीं लेते। तुम्हारा संस्कार देख के अच्छा लग रहा है, बाकी नुकसान तो तुम्हारा भी हुआ है ना, प्यार से दे रहे हैं रख लो, नहीं तो थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से हमरा के डर नहीं लगता,
हम तो खाली प्यार से डराते हैं। वेलू आ गया है, पैसा लेके फोन करते हैं। कलेक्टर के ऊपर रॉब जमाएगा लगा था, बाकी तो भीगल विलाई जैसा आ रहा है। एकदम सही। सर आराम से खोलिए, बिरयानी खराब हो जाएगा। बिरयानी? हाँ सर, पूरा 10 पैकेट दिए। पिछले बार बिरयानी में अंडा नहीं था ना, तो राइटर हमारे से 3 दिन तक बात नहीं किया था। ये पैसा कहाँ है? परेशान ना होइए सर, सुरक्षित है। हम खरीदे हैं सर, हमने ये पकड़ा है 10,060। ए भाई इतना ही? तो फिर दे दीजिए सर, भिखारी को देके ओकरा से चिल्लर लेके दे देते हैं सर। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वो 75 लाख कहाँ है? आपको ये सब कैसे पता सर? इन्फॉर्मर बताया सर, वही इन्फॉर्म हमरों को इन्फॉर्म किया था, और हम तो बड़ी खुशी खुशी उन्हें पकड़ने के लिए चले गए थे। ये सोचे थे कि पैसा पकड़ के पुलिस की पावर का होती है हम बता देंगे, लेकिन वो हमरा पीठ पे छुरा भोंक दिया सर। ऐसे 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 ही सर, ऑन द स्पॉट एकदम छोटा अमाउंट देखला के बाद, आपका शकल देखला के बाद सर गोबर में चप्पल डुबा के मारना चाहिए। अगर हम 10 रुपया भी पकड़े होते तब भी वो हम आपको देते सर, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ सर, गवर्नमेंट का पैसा पास में रखना बिना अंडरवेयर के पैंट में बियर का बोतल रखने जैसा है, कब फिसल जाए कुछ नहीं पता। अभी खुश लग रहे हैं, अब हम लोग चले का सर? सर उसको छुना नहीं। एक बात भुला गया सर, चेक पोस्ट तोड़े खातिर 2300, डीजल का खर्चा 1500, हॉस्पिटल का खर्चा 3500, बिरयानी का हुआ 759, मतलब पूरा 10,050 रुपया। बाकी का बचा 1 रुपया सर, दे देते हैं सर। 1 रुपया के आप गवर्नमेंट के हवाले करिएगा, ये अपना कान पर रखिएगा, ये आपके ऊपर है सर। चलते हैं सर, लगता है बिरयानी खराब हो गया। भैया फोन। कौन है? कलेक्टर का। क्या बात बा? वो साधारण आदमी नहीं है, रूल सुना के वो हमारे बोलती बंद कर दिया। हे आरसी बुक दिखा। ये कौन है? ये तो है भाई वेलू। नमस्ते साहब। सर ये हमारे एरिया के कैंडिडेट हैं। हाँ तो चेक कर इनके भी। ठीक है। हम तो हर लिमिट में नहीं आए हैं, जे तू हमरा के चेक करेगा, बाकी तू हमार लिमिट में आ गया है। का कले? हम तो रहा लिमिट में आ गए हैं का? बताओ इनकरा के हमार कौनो लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है हम, भले ही वो लोकल हो या ISD का है ना हो। ए देख, हमारा आदमी सबसे जौन पैसा लिया है वो सब कहाँ है? वो कलेक्टर ऑफिस में जमा करके सेटलमेंट कर दिया है। कलेक्टर ने बताया नहीं का? बताया तो होगा ना। तू जौन दे दिया वो नहीं, जौन लिया है वो 75 लाख। वो खाली पैसा नहीं है, 10,000 वोट है। अरे हम तुम्हारा के धोखा नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा आदमी को तो वोट दे के भेजे है ना, हम भले ही एक वोट डाले लेकिन वो 10,000 के बराबर होता है। अरे जौन वोट हम डाले थे दिखाया नहीं का इनको? एकरा देखना था साहब। का हुआ भाई, उसका वोट नहीं देखा का? तारा चेहरा पे भी लगवाना है का? ए बताओ, हम तैयार है। हमारे चेहरा पर लगाएगा? हम पुलिस वालन से 1 मिनट बात करें ऐसा नहीं होता, बाकी तोरा से बात कर रहे हैं ओकर कारण है। तू जौन देख रहा है वो एक नेता का चेहरा है, अंदर का राक्षस को दबा के शांत दिख रहा है, समझा? हमार बहुते चेहरा है, वो सब देखेगा ना तो तोरा से सहायगा नहीं। तुम चाहे कौनो भी चेहरा दिखाओ, हम आईना की तरह, तू जे भी दिखाएगा तोरा के वैसे ही हम भी दिखाएंगे। दिखाएंगे, देखेगा तू। हे, दिखाएंगे से हमको कुछ याद आ गया। हे, तुम्हारा साला पागल हो गया ना, तुम कहते अस्पताल में दिखाना। दिखाए, 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 तो फिर ठीक है। पलक झपकाते ही ना हम केहू के भी ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन ये ढोसा पकाना बहुत मुश्किल है। कम से कम आज तो तुम शांति से खाओ ना माँ, हर रोज किसी के लिए इडली, किसी के लिए डोसा, किसी के लिए उपमा बनाती हो, काहे तुम इतनी मेहनत करती हो? अगर ये आदत बदलना है ना तो हमारे पास एक उपाय है। उका है ना, हाँ। गवर्नमेंट ने तुम्हारे बेटे के लिए क्वार्टर अलॉट किया है, वहाँ हम तुम्हारा के ले जाके महारानी की तरह बना के रखना चाहते हैं। कैसा लगा हमारा आइडिया? तुम्हारे पिता और भाई? पता था तुम यह बोलोगी। वो लोग के खातिर दिन भर तुम यहाँ सर पटक पटक के मेहनत करती रहती हो, उन लोग के कोनो फर्क पड़ता है? कोनो फर्क नहीं पड़ता। बस कर, बेटा हो तो ऐसे कुछ बोल सकता है, बाकी दोनों को दूर अंग से देखना हमरा से नहीं होगा। हाँ, एक के परिवार में दूगो यहाँ और दूगो वहाँ अलग अलग रहेंगे तो अच्छा होगा का? ठीक है, अगर हम तुम्हारा साथ आए तो वो दोनों के
के देखेगा? माँ कहाँ है वो तुम्हारा, कहाँ है? कहीं भी रख देती है, इसे अपने साथ नहीं रख सकती हो का? ये लो ध्यान से, आराम से ध्यान से। ये परिवार के बारे में कुछ भी कहो तो सीरियस हो जाती है। यहाँ और माँ, ये परिवार के आगे बढ़ावे खातिर एक आइडिया दे का, इसकी ना शादी करवा दो माँ। क्या बात है, अब तक का सबसे बढ़िया आइडिया दिया है भैया। हाँ। जल्दी से मुहूर्त निकलवाओ माँ। कहा है बड़ बेटा के रहते इसे छोट बेटा के शादी कैसे करवा दे? पागल आज भी हमरा से कॉमेडी करवा दिया है। जा रही से माँ। हाँ वैसे हमरा पास एक उपाय और है, बड़का के शादी पहले करवा दो ना। केकरा से? ओ तुम्हार सुबिया के। सुबियो कक्का? अरे तोरा के तोरा के का कर रही हो? अरे वो दूसरा चल जाएगा, छोड़ छोड़ बा, का कर रही हो? चंद्रमौली। हम्म, ओ चंद्रमौली। अरे चंद्रमौली, ओ चंद्रमौली। चंद्रमौली के है तुम्हारे पापा? उनका नाम है रामा राव। लेकिन कार्तिक तो ऐसे ही पुकार रहा था। कार्तिक कौन? हाँ, मुन्ना राघव पिक्चर में। अरे खैर छोड़ो, चलो 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 चलो। हमारे पापा पीछे के बगीचा में है, आ गए तो काम तमाम हो जाएगा। अरे वो नहीं आएंगे, पंचायत भवन में मुफ्त का बोल बचन कर रहे हैं, देख के आए हम अभी उनको। एकर का मतलब घर में केहू नहीं है तो उधम मचा रहे हो? अरे जब केहू नहीं होगा तभी तो तोरा के आराम से उठा के ले जाएंगे ना। क्या बोल रहे हो? तो क्या बोले, हम सुने हैं कि तुम्हारे पापा तोरा का लड़का देख रहे हैं। चलो चलो भागो हमारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। काहे नहीं के हो सकता? हमरा के लेके कहाँ जाओगे, अपना घर ही ना। बिना दहेज के तुम्हारे पापा हमरा के अपना बहू स्वीकारेंगे? तुमको लगता है इस समय हम चैन से जी सकते हैं? हम एक उपाय बताते हैं, तुम्हारे भैया से ये बारे में बात करेंगे। का कहलू ओकरा से? अपना बाप का इज्जत तो करता नहीं है वो, हमरा को तकलीफ में देख के सबसे ज्यादा खुश वही होता है, पता है ना तुमको। अपन जिंदगी में कभी कोनो मदद के लिए ओकरा पास नहीं जाएंगे हम, याद रखना। बात करती है, ये बताओ चलोगी कि नहीं? पूरा रीति रिवाज से हमने दोनों के परिवार के रजामंदी से हमारी शादी होनी चाहिए, कोनो रास्ता है तो वो बारे में सोचो। तो तुम्हारी यह फैसला है? हाँ। ये फैसला बदले का कोनो इरादा है कि नहीं? ना ना ना। ऐसे बेकार में यहाँ खड़ा रहने से बेहतर है गांव वालों के सामने जाके हाथ फैलाते तो वोट मिलता। वो बेलुए तो हमारा पूरा मंसूबा पे पानी फेर दिया है। ओकरे कहानी खत्म करे के खातिर तो हम यहाँ बात करे आए हैं। अरे का भैरैया आ रहा है, ये तो तुम्हारा जानी दुश्मन है। हमारे रास्ता में तू है तो रास्ता में हम, या तो तू रहेगा या हम रहेंगे। साहब के सामने गन निकालता है, साहब के क्या समझता है रे? तुमको इज्जत करना नहीं आता है का? काय बेमतलब में झगड़ा कर रहा है, तुमको बात समझ में नहीं आता है का ठीक से? एकरा के यहाँ लेके आवे वाला हम हैं। हम समझी नहीं। हार्बर अरुणाचल भाई के कहला पर आया है। भाई आ गए। एक बात तू संभाला, बाकी कहे अरुणाचल भाई कहे हैं? अब हमरा का करना होगा? एगो इंस्पेक्टर के टपकाना है। का सोच रहा है? ए, ये काम तो खुदे करता है, हमारे का जरूरत है? अभी हम नहीं कर सकते, हम नेता के भेष में, हम और तू विरोधी हैं, पूरा शहर जानता है। अगर हम उकरा के मार दिए तो तू हमारे रास्ता में नहीं आएगा है ना? तू भी रास्ता में नहीं आएगा, तोर टैलेंट पर हमारा भरोसा है। दुश्मन के ताकत से अच्छा से जान लिए है, पावर में आवे वाला है। तोरा पर कुल मिला के 15 गो केस है, हमारा के मारे की कोशिश किया था उकरा साथ, बाकी सब केस हटवा देंगे। का कहता है? टपका देंगे। पक्का नेता बन गया ही तो। मारना है? बोला हाथ नहीं। इनका के काहे मार रहे हैं? काहे मार रहे हैं? ए 113। यस सर। तो हर पिता रोड रोलर के सामने सुत के धरना दिए काहे? राइट में भी दारू का दुकान खुला रहना चाहिए, ऐसे ऐसे वो धरना दिए। 110। यस सर। तुम्हारे पिता जो है रोड रोलर के सामने सूत के धरना दे रहा था, समझ रहे इस बात को? कह रहा था कि ड्राई डे के दिन में दारू का दुकान खोलना चाहिए। इतने नहीं, स्कूल जाए वाला बच्चा सबसे बिस्किट एगो चोर के जैसे चोरी कर लिया। अरे हमारा सकल पर तुमको चोर लिखाई दिखता है का? ना तका
तुहार सकल कोनो ब्लैकबेरी के मालिक जैसन बका कोनो केस लगावा सब सूट कर जाई ऐसन सकल बा तुहार समझ गिला ऐसा झूठा केस लगा के हमरा जोन इज्जत है ओकरा के खराब काहे कर रहे हो साहब बड़का अन्ना हजारे है ना जे एकर इज्जत हमनी के उतारेंगे तू खुदे रोड पे गिरल रहता है अरे बेटी सुनिए साहब हमारे बाबूजी कोनो गलती नहीं किए होंगे हां बेटी दया करके इनका छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब ये लड़की सबको चाय काफी भले ना बनाने आता हो बाकी आंसू टपटपा के टपकता है अरे बस करो रो काहे रही हो आंसू पोछो अपना अरे संभाल के आंसू पोछ लो क्या चाहती हो तुम्हारे बाबूजी को छोड़ दें बस इतना ही ना खाकी केहू से भी कुछ भी लेके उसको आसानी से छोड़ देता है अब तुम हमरा पास आकर के ऐसे बोल रही हो तो ये बताओ कि तुम हमको क्या दे सकती हो चलो कोनो बात नहीं तुम हंस दो हम इनको छोड़ देंगे हे तारा के हंसे खातिर कहे है ना अपना साथ गाना गावे खातिर थोड़ी नहीं कहे है ए कॉन्स्टेबल्स यस सर आज ही लड़की के जे भी हंसाएगा उसको 1,000 रुपया इनाम 1,000 रुपया मौका बढ़िया बाहर जाके 5-10 मांगते हो स्टेशन में ही 1,000 रुपया दोगे जाओ रे सेरी 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 डीडी ओकरा पे किरासन छीट के जला दे दांत साफ लेके पहले और लड़की के सामने जाके हंस रहा हलवा देखता कैसे डरा के खड़ा भैया नेक्स्ट हरियर रंग हरियर काहे हो खेला नहीं के पता हम बताते हैं रंग के सुखावल नहीं के यही से ए पीछे आओ पत्रिका में खराब सा चुटकुला लिखे 10 रुपया जीते वाला है इंस्पेक्टर सर हम ट्राई करेंगे हाँ प्रोसीड दारू पी के चलेगा कितना वैरायटी हो खेला पहले क्वार्टर पी के कैसे चल जाला देखा बता नहीं कहे सही बना अब फूल तू और रहे ही दो तोरा के कितना बार बोलने बानी कैसन कॉमेडी मत करके गुस्सा आ जाए ओकर बाप ये काम रोज घर में करेला हमरा बेटी को क्या समझता है ओकरा मन हमको पता है हम आएंगे तब हंसेगी वो देख लेना जंगल में भेड़िया आया भेड़िये ने शेर को दिखाया ऐसे गा रहा है जैसे कोनो गधा बांग दे रहा हो बेटी हंस देना 1,000 रुपया मिल जाएगा अरे बेटा रुको 1,000 रुपया मिलेगा अब थोड़ा सा हंस दो ना अरे हंस दो ना इंस्पेक्टर अरे तुमने तो इसको हंसा दिया अरे हट अरे मानी अरे हंस दी रे गाना बजाओ रे ए का कर रहा है तू अपने घर में चोरी करे के का जरूरत पड़ गया हां मां निर्मला से शादी करे के खातिर हमरा और उसको कोनो रास्ता नहीं मिला ना ए अब और कोनो बात मत कर मां एकरा के चोरी मत समझा मां ये पैसा ले जाके निर्मला के बाबूजी को दे देंगे वो दहेज के रूप में हमको वापस दे देंगे पैसा लौट के यहीं आएगा अम्मा हाथ हटावा तोर भैया हमरा पे भरोसा करके इतना पैसा हमरे हवाले छोड़ गया है ओकरा के हम का जवाब देंगे नामा कोनो समस्या नहीं है इस शादी हो जाएगा और पापा को पता भी नहीं चलेगा और पैसा यहाँ पर हम रख देंगे फिर से अच्छा है तू जोन कह रहा है बहुत अच्छा है इतना सोचे खातिर तोर माँ की समझदारी काफी नहीं है एगो गलती सुधारे खातिर कर रहा है एगो गलती और करेंगे कहे में कोनो संकोच भी नहीं हो रहा है बोल ना तू और का गलती करे के सोच रहा है बेटा बोल अम्मा एक बार हमरा को माफ कर दो अम्मा हमरा पास ओकरा शादी करे खातिर कोनो रास्ता नहीं अम्मा ये पैसा हमको ले जाने दो अम्मा जी ले जो ले जो बाकी एगो बात कह देते हैं एगो चोर के एक कोख में हम 9 महीना रखे हैं एक दुख मरत दम तक हमरा के घात रहेगा जी ये सब हमरा पसंद नहीं है अपन बेटी खातिर मान रहे हैं
आज तो बहुत चमक रही है, आंख चुनिया जा रही है हमारी। बैठ सकते हैं का? तुम्हारा संस्कार देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, बैठो। वो कहा है कि हम तुमसे शादी करने का मन बना लिए हैं, तुम तैयार हो ना? हम शादी के बारे में सोचे ही नहीं है। काहे? जहां तक हमको लगता है हम में कौनो बुराई तो है नहीं, तुम जिंदगी भर कुआरा रहना चाहती हो का? हाँ। न जाने कितना लड़की लोग हमरा पीछे पड़ी हैं, अपराधी लोग हमको देख के डरते हैं, देखे में भी सुंदर हैं हम, और आज हम यहाँ आके तुमसे खुद कह रहे हैं कि हमसे शादी कर लो तुम, लेकिन तुम हमरा जैसे लड़के को मना कर रही हो, काहे? ओ बेटी, वो तो कहाँ रखा है बेटी? बाबूजी के पास हम ही हैं, इनका छोड़ के हम नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब जब तक तुम्हारे बाबूजी मरेंगे नहीं तुम शादी नहीं करोगी? नहीं, जब तक बाबूजी जिंदा हैं हम शादी नहीं करेंगे। वेरी गुड। इसको कहीं से खरीदी हो का? ना, खुदे बनाए हैं। इतना अच्छा खिलौना तुम अपना हाथ से बनाई हो, तुम्हारे यह हुनर पे तो हम तुम पे फिदा हैं। ए बिटिया, अरे कहाँ चल गई तू? एकरा वजह से हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अपने बाबूजी को संभालो और उसको बदलने की कोशिश करो, जब तक उम्र नहीं जाते हम इंतजार करेंगे, समझ रही हो ना? माँ, तुम्हारा खातिर एगो बढ़िया बहू मिल गई है। माँ, तुम हमको हमेशा डांटती रहती हो ना कि अपने पापा से प्यार कर लो प्यार कर लो। उसकी एक बात बताए माँ, उसका बाप हद से ज्यादा पियक्कड़ है, लेकिन फिर भी वो अपने बाप को बहुत प्यार करती है। तुम्हारी तरह बहुत अच्छी है उमा, एक बात तो समझ आ गई, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है और तुम्हारी तरह फैमिली को सजा के रखेगी। अरे हम कब से तुमसे बतिया रहे हैं और तुम लड़की का नाम भी नहीं पूछ रही हो। माँ, 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 कौनो पिता के कमजोर बेटा खाते ज्यादे चिंता रहता है, तनी ज्यादे ही स्नेह दिखाते हैं, एकर मतलब ये नहीं है कि तोहरा से प्यार नहीं है। कुछो कर लो, वो तोहरे तरह हमरे कोख से पैदा हुआ है ना, कितनो भी झगड़ा करो, बाकी वो है तो तुहार भाई बेटा। वो हमार भाई नहीं है, वो उनकर बेटा है। देखा बेटा, तू ऐसे उनका पे गुस्सा करत रहेगा तो हमरा डर है कि यह गुस्सा एक दिन हमरा के मार डालेगा। माँ के मरने का इच्छा रखता है का? माँ से प्यार नहीं है का तोरा के? है माँ। तो फिर माँ का बात मान ले बेटा, अपन पिता के समझो। हमको आपसे कुछ बात करना है। अब तक हम लोग के बीच में जौन कुछ भी झगड़ा था उसे खत्म कर देते हैं और मिलजुल के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है का? नहीं हो सकता है, तो ये सब बात मत कर, समझा? तोरा और हमरा बीच में बस एक ही को बंधन था, वो देख जल के राख हो रहा है। अब से हमार परिवार में, हमार जिंदगी में मत आना। तू अलग है और हम और हमार बेटा अलग है। अगर हमार परिवार में आया तो हमसे बुरा कौनो नहीं होगा। चलो हमरा के खींच के मत ले चल बेटी। अरे 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 बोल रही है ऐसा? अरे सब ठीक होगा। अरे अरे सुनो, अरे चलो हमरा का, हम नहीं चल पा रहे हैं। चलो। अरे ट्रेन ट्रेन बिटिया, ट्रेन 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 अरे ट्रेन खतरा हो जाएगा, समझो? अरे गड़बड़ा बाबूजी, उठा, जिंदगी चल जाएगी बिटिया। बाबूजी रुको रुको, बाबूजी उठा, चलो। अरे ना ना, हां को छोड़ दो बाबूजी, उठा छोड़ दो आपको। अरे क्या कर रही है बिटिया? रुको रुको, अरे हमारी बात सुनिए, उठा चलो 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 यहां से। हां बेटी, आपका ही नाटक ना हम पहले हूं बहुत बार देख चुके हैं, अब चलो उठा, ट्रेन आवे के समय हो गया है, उठो। अभी मिनिस्टर से मिले खातिर हैदराबाद जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग बा।
धमाजी धमाजी आइए स्टेशन जाए तक बात करते हुए चले जाए। फोन ले ला। हेलो कहा है डेनियल, कहाँ है? हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तू कहाँ बा? हम भी रेलवे स्टेशन पे ही हैं। तहार दुश्मन का जान हमारे बंदूक में है। हाँ बैठिए। तो जाए से पहले उसका लाश देख के जा। बहुत है खुशी भाई, चलो फोन रखते हैं। तू देखो जा रहा है क्वार्टर लेवे खातिर, ऐसे फूल ला के देना बेटा को, साथ में चखना भी लाना। अरे बाप रे, कोनो गोली चला रहा है का? अरे बाप ही करे, अरे बाप। अगला हफ्ता मिनिस्टर जी आ रहे हैं, प्रचार का सब तैयारी कर लो। हाँ ठीक बा। सर देखिए ना सर, पब्लिक प्लेस में ही राक्षस जैसन काम कर रहा है। नहीं। हेलो वेलू, क्या कर रहा है? स्टॉप इट, हम कर रहे हैं ना, कहा है ही? कहा हुआ? ए, ये कौन है? नहीं। वेलू, हम पूछ रहे तो बात काने कर रहा है? नहीं। वेलू, ये को कमिश्नर स्टॉप स्टॉप चिल्ला रहा है, इज्जत नहीं कर रहे और आपके सामने ऐसे काम। अगर हमको आपको इज्जत देना होता ना तो एक सेकंड में हम सब मिलके आपको इज्जत देते, लेकिन ये जौन खड़ा है ना, इसकी इज्जत करने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता। तुम क्या बात कर रहे हो? इसका नाम विरैया है और यहीं पास के गांव में रहता है और इसकी 6 साल से सर से दुश्मनी थी। हम सही कह रहे हैं ना सर जी? यस सर। एकरा ऊपर मर्डर, चीटिंग, मर्डर अटेम्प्ट ऐसे 15 केस हैं। एमए से 2 केस सर पे हमला करने के भी हैं। अरे हम सही कह रहे हैं ना? यस सर। सर रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, एकरा पता चल गया और ये उनको मारने का बड़का प्लान बनाया, लेकिन ये हमको मिल गया। अब बताइए आप, हम जो किए गलत किए? नो नो वेलू, बहुत समझदारी वाला काम करके हमारा डिपार्टमेंट का इज्जत बचा लिए। एक और मामला है सर, कौन केकर दुश्मन है, केकरा से केकरा मरवाना चाह रहा है, ऐसा परिस्थिति में कहना बहुत मुश्किल है। ये गांव है, इकलौता नहीं है, एकरा जैसन बहुत है, न जाने कौन कौना भेष में रहे। और हाँ, ये गैंग में भी कौन हो सकता है। हमारे हिसाब से तो यहाँ सबके कपड़ा उतरवा के चेक करना चाहिए सर, पता ना केकरा पास कौन हथियार होए। पुलिस वाला तलाशी लेता है, इतना कपड़ा उतारने के लिए करा रहे। चलो सबको चेक करो। हे भगवान, तोहरा पर भरोसा रख रहे हैं, संभाल लेना भगवान। अरे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। बेचारा, बड़ा उम्मीद के साथ यहाँ स्टेशन पे हमारी लाश देखने आए थे ना, संदेह नहीं होना चाहिए ये खातिर हमरा के मारे के लिए दुश्मन के दोस्त बना लिए, लेकिन हम ओकरा के मार दिए। जौन स्कूल में तुम ये सब सीखे हो ना बेटा, उसके हम हेडमास्टर हैं, ये खातिर हमसे पंगा मत लेना। हमारा करेक्टर तुम नहीं जानते, मारोगे तो मारेंगे, कुछ लोगे तो पूरी तरह से कुचल देंगे, और हमको मारने की सोचे भी ना बेटा तो काट डालेंगे। मामूली पुलिस वाला नहीं है हम, राउडी पुलिस वाला है। एकरा से पहले जौन तू बोला तो रख के मार डालेंगे।
इंटरवल के बाद तुम्हें देखेंगे। का शंकरलिंगम, तहार आइडिया काम करेगा का? ऐसन का है पूछे? बेलू को मारे खातिर जगरा के हम लोग भेजे थे, वो करे के मार दिया। सोचा था कैंडिडेट को मार के कमिश्नर के सामने नाम हो जाएगा। वो करे कहानी को हम अपना मुताबिक बदल लेते हैं। कैंडिडेट को बचाने वाले एसआर में केहू नहीं है, बोल के अपना पास बुला लेते हैं। प्रचार के नाम पे ओकरा के चिलकलापुर लेके चलते हैं और उसको पैसा भिजवा देते हैं। ओकर ध्यान हमरे ऊपर रहेगा और हमारा पूरा ध्यान पैसा बांटने पे होगा। क्या कहते हो भाई? वॉलेंट आ रहा है, साइलेंट साइलेंट। सर आई आपे के बारे में बतिया रहे थे, इलेक्शन होने तक डेनियल सर के सुरक्षा खातिर पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पे आप ही चलिए, ऐसा लिख के खुद कमिश्नर को देवे आए हैं। कहे कि आपके जैसे इंसान साथ हो तो कोनो पास नहीं फटकेगा। क्या कहते हैं? गाल के पास एगो मच्छर उड़ रहा था, ओकरा काटे से पहले हम ओकरा मार दिए। एडवांस सिक्योरिटी कहते हैं इसे। बहुत एडवांस है। ये पूरा इलाका में 1,43,33,219 मच्छर घूम रहे हैं, पता है तुमको? अरे कल ही हमको पता चला है, उनमें से एक मच्छर के आपके काटे से पहले हम आपको बचा लिए हैं। आप फिक्र मत करिए, बचे हुए एको मच्छर आपको ना काटे ही खातिर मार मार के हम आपको बचाएंगे। वो भले ही आपके लीडर के गाल पे काहे ना बैठा हो, या फिर चाहे कहीं और जाके बैठ जाए, लेकिन हम बिना मारे छोड़ेंगे नहीं उसे। आपके लीडर के नहीं, मच्छर के मारेंगे। और जल्दी से जाके ना कमिश्नर के पास से एक ऑर्डर लेके आइए। आपके लीडर की सुरक्षा करने के लिए हम 2400 घंटा तैयार हैं। क्या कहते हैं? कहे खातिर बचबे का किया सर। ओके। नमस्ते सर। अबे तुम्हारा गाल पे ही का मच्छर है? मच्छर नहीं सर, मच्छर है। सही बोला, मच्छर का साउंड भी सुनाई दिया ना तो बेल्ट निकाल लेंगे हम। का शंकरलिंगम, परमिशन ले ली का? जरूरत नहीं है दमाजी, ओकर एक एक थप्पड़ में हमारा रूह हिल गया, अब कुछ और सोचे के होगा। अरे फर्स्ट नाइट खातिर दूध का गिलास ला रहे हो का? रखो रखो, जल्दी रखो, चलो जा जा। शिवा बल्ब है, होल्डर नहीं है। बल्ब के दूर से पकड़ के होल्डर में फिक्स कर दिया, ऐसा लग रहा है। का है भाई? जौन सामान हम बोले थे सब लेके आ गए हो ना वहाँ से? आप जौन सामान बोले थे वो सब लेके आ गए, बाकी पैसा नहीं मिला हमको भी। ठीक से ढूंढे थे या नहीं? भागल मुर्गी जैसा पूरा का पूरा कमरा देख लिए, एक को रुपया नहीं मिला है सर। विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं तुम लोग तो नहीं मार गए उसको? सर मेहनत करके आप खुद ही पैसा देते हैं, छोट भाई का पैसा आप मार लेंगे का? ए कॉमेडी जैसा सेंटिमेंटल डायलॉग मत मार, ले जाके धो के रख दे। अच्छा मदर, इतना बड़ा अमाउंट बाप और भाई से डरा के कहाँ छुपाई होगी तुम? ये 10,000 का है भैया। अच्छा ये कितना का है? 15,000 का है। अरे यार बहुत ज्यादा बोल रहे हो, कुछ समझ के बोलो ना भैया। ना भैया फिक्स रेट है 15,000। साहब नमस्ते, थोड़ा हिसाब कर। यहाँ का कर रहा है? हमारा शादी है ना। ओ घोड़ी मान गई का जा रहे तू ना, हमारा और निर्मला का। ओ जकरा घर में खाए को खाना नहीं हो, इतना बड़े घर में शादी कर रहा है कैसे? माँ का इच्छा था यही से। माँ की इच्छा पूरा करना है या फिर हमको भी पसंद है भैया? हमरा को नहीं बुलाएगा का? बात वो नहीं है, बुलाएंगे तब वो तुम आओगे। का है भाई ऐसन का है? कह रहा है जरूर आएंगे, वो भी अपना बीवी के साथ। तहार शादी? जब तोरा जैसा निकम्मा की शादी हो सकती है, हम तो फिर भी बहुत काबिल है, हमारा शादी नहीं हो सकती है का? करे हम जो उनका सही कहे ना, एकदम सही जा रहा है, तुम्हारे भाभी के साथ आएंगे। कहे की माँ की भी इच्छा रहे ना, बड़के बेटे से पहले छोटका बेटा की शादी ना होना चाहिए। वैसे ही घोड़ी कितनी की है भाई? साहब वो का रेट ज्यादा है। कोनो बात नहीं, यह भेज देना, सारा खर्चा हमारा रहेगा। थैंक्स। वैसे भी हमारी शादी होने जा रही है। ए, ये सब कहा है यार, हमेशा पागलों की तरह पीते रहते हो। घर में एक जवान लड़की है, मासूम भी है, तुम दारू पी के यहाँ वहाँ पड़े रहते हो, बेचारी जाके तुमको उठा के लेके आती है। जिंदगी में बस उसका यह एक काम रह गया है, उसकी शादी के बारे में नहीं सोचे हो का? अरे हमको ऐसे का देख रहे हो, कोनो कमी है का हमरा में? शरीर भी एकदम फिट है, सरकारी नौकरी करते हैं, हाँ जेब भरा रहे, ऐसा काम है हमारा। अबे तुम ऐसे मुस्कुराए का रहे हो? हमारी बेटी बहुत जिद्दी है, पक्का जानिए वो हाँ नहीं कहेगी, और जब तक हम हैं तब तक वो शादी नहीं करेगी। तहरा का बताई होगी ना? छी तुमको ये बोलते शर्म नहीं आती? कोनो बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे बोलता है का? दुनिया में लोग अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगते रहते हैं कि उसको कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए, और तुम कैसे बाप हो जो ऐसी बात कर रहे हो? धिक्कार है तुम पे, अपनी बेटी को जाके समझाओ, वो तो तुमको बदल ही नहीं पाई, कम से कम खुद बदल जाओ। और अगर तुम ही नहीं कर पाए ना तो तुम बाप कौन ना बात के? तुम उसका अच्छा से ख्याल रखोगे ना?
ओकरा मारेंगे, खाने को नहीं देंगे, जाके अपने बाप के घर से लेके आओ, ऐसे करके भगा देंगे और कुछ। अबे हम उसको प्यार करते हैं, बे जान है वो हमारी। ठीक है जा, शादी का तैयारी कर, हमारी बेटी हाँ कह देगी, हम ओकरा को मनाएंगे। शादी में बड़ा बड़ा लोग आएंगे, शराब पी के नाटक मत करना, इज्जत ना खराब होनी चाहिए हमारी, कम से कम वो दिन तो शराब मत पीना, समझ गए ना? जा जा, हम शराब अभी छोड़ देते हैं, अपना बेटी के खातिर जा, तू हमरा ऊपर भरोसा करो, जाओ। तो अलग आदमी निकला, हम तो इसको समझे नहीं पाए, शराब छोड़ने को कहे थे इससे, ये तो दुनिया छोड़ दिया। ओए, चलो सब लोग निकलो यहां से, जब तक जिंदा था तब तक कोनो नहीं आया, मरने के बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया यहां पे, जो नाच कर रहे हो पहले की होते तो शायद ही दुनिया छोड़ के नहीं जाता। चलो निकलो यहां से, जितना मातम बनाना था मना लिया, चलो 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 निकलो जल्दी यहां से निकलो। पुलिस डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है, जौना घर में मातम हो वहाँ कोनो भी खुशी का काम नहीं होता है, ये खातिर तुम्हारा सामान लेके आए हैं, चलो हमारे घर चलो, हमें तुमसे शादी करनी है, कुछ सामान हो तो ले लो, चलो। थैंक यू ससुर जी। ए, तोरा के अलग से बोली का? पंडित जी सब आ गए कि कुछ और चाहिए? भूल आ जाए तो जल्दी से पूजा शुरू कर दे, जाओ जल्दी से मंगवाओ। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसा है आप? अरे छोट बच्चा जैसन खेल रहा है, मुहूर्त का समय निकल जा रहा है। ए ये नेकलेस पहन ले, कितना प्यारा है ना। ए देख तो, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, और ये देख तो। दूल्हा को खाकी वर्दी में आना चाहिए, बहुत दुख हो रहा है हमको। सफारी पहन के आएगा तो 10,000 तोहफा में दोगे क्या? हमेशा जैसे फ्री में खाना खा के कवर लेके जाना। आई आप सब आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। सेटअप बहुत जबरदस्त है बेटा यहाँ का, सब आप ही का आशीर्वाद है। लेकिन आप कहाँ हैं, पाप कर रहे हैं? पाप कह रहे हैं? गौर भाई कह रहे थे छोट भाई का शादी करवाना गलत नहीं है का? मुर्गा भात से पहले दही भात खाइएगा का? बाल काला करने से उम्र कम नहीं होता है, अरे रीति रिवाज का भी तो पता होना चाहिए। सर ऑर्डर दे दीजिए, शूटिंग करते हैं। सुने ना, यह बात है, पहले बड़का भाई का शादी होगा उसके बाद छोट भाई के। बेटा ओम जलाय स्वाहा, ओम अग्नियाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय। पंडित जी ये क्या ऊटी के जाड़ा में बैठे हैं का? स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ठीक से फूलों में गाइए ना। अरे पुलिस का बंदोबस्त करें खातिर। हाँ चलिए देखिए क्या रहा है। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम वायु देवाय नमः, ओम सूर्याय देवाय नमः। इतना सन्नाटा का है, शादी में बाजा वजा नहीं बजता है का? हमारी शादी ऐसे सन्नाटे में? एकदम सही, ई का मैरिज हॉल है कि एग्जाम हॉल है? इतना शांत है जैसे कोनो भूत देख लिया हो। अबे भूत से याद आया, तुम्हारी सासू माँ का कर रही है। अभी सब जरूरी है का? हे काई गोवा सिनेमा का प्रेम जी जैसा है। ए
इका अरे कान में पीपी बजा रहा है, साहब का पहले ही मूड खराब है। बजाओ। एको शादी के पेमेंट के बात करके दो को शादी खातिर बजावे के बोल रहे हैं, ये कैसे चलेगा जी? पहले बजाओ, पेमेंट को बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा सर, पहले पेमेंट कीजिए, ओकरा बाद बजाएंगे। अलग अलग तरह का ट्यून बजाने वाले यार रहमान भी कम्पोजिशन पूरा होने के बाद पेमेंट लेते हैं। हर जगह एक के धुन बजाने वाले तुम लोग, पहले ही पेमेंट चाहिए है? बात करने का फायदा नहीं है, सबसे पहले पेमेंट। ए ओकरा बारे में तोरा नहीं पता है, शिवाजी द बॉस जैसन वैल्यू द मास। ओकर नाम मास्टर ऑफ आपू। अच्छा ओके बा, सुपर सुप्रीमो। ए अगर तू लोग अभी भी नहीं बजाए ना, तो तू सबको पुलिस स्टेशन ले जाके तबला बजाना शुरू कर देंगे ना। ओकरा बाद शादी भी है तो छोड़ो, घरों में नहीं बजा पाओगे तुम लोग। ए अभी बातचीत हो रहा ना, तू बजाना शुरू कर दिया। हम बजा नहीं रहे हैं, ओ खुदा बज रहा है। सर हमारी शादी हुए 4 दिन हुआ है। अरे तुम लोग बजाएगा कि नहीं? हाँ हम धुन समझाएगा। हाँ डम 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 टडम डम डम टडम डम 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 जल्दी से मंगलसूत्र दो बांध के खत्म कर। चलो ओम शिवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, इला चला मंगलसूत्र पहनावा, चलो बजावा बजावा। भगवान विष्णु मंगलम गणेश फेरा लगा सकते हैं ना। चला फेरा संपन्न भाई, वरवधु के माता पिता आके आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी, जी। कहीं घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब यहाँ पे। घर के बड़ हो तो आशीर्वाद देवे के कहिए। ये घर में सबसे बड़े हम ही हैं पंडित जी, लाइए हम अपने आप को आशीर्वाद दे देते हैं। दीर्घायु भवा, सौभाग्यवती भवा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणतुजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय। तोरा के देख के हमार जी जल रहा है, सबके सामने हमारी इज्जत उतार दिया। अगर तोर माँ जिंदा होती तो तोरा मुंह पे थूक देती। हमारा मुंह पे थूक देती? बड़का बेटा हो छोट बेटा के शादी कराता रहा। हमार माँ की इच्छा रहे कि हमार शादी पहले हो, और उनकर इच्छा के बीच में क्यों ना आ सकेला। वो चाहे तू भी काहे ना हुआ। चल निकल निकल यहाँ से। तोरा बोले से हम थोड़ा ना जाब यहाँ से बाहर। तोरा बुलावे पे आयल रहनी का यहाँ, हम आयल रहनी अपना मर्जी से, और जाब भी अपने ही मर्जी से। गया सब चला गया, इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, नहीं होगा अब इस शादी, नहीं होगी, नहीं होगी। बाबूजी, बेटी, बैठा। ए गाड़ी निकाल। जो उन लड़की को पसंद किए हैं, वाकई में वो बहुत जबरदस्त है। आज शादी के मंडप में ऐसा करना सही था का? अरे हम गलत का किए? बड़ बेटा की शादी पहले होना चाहिए ना, और माँ भी तो यह चाहती थी। तहार बाबूजी तो दुखी हो गए। ओ एदा, कौन ही नया बात है, 20 साल से हमरे और उनके बीच में नोक झोंक चल रहा है, और कब तक चलेगा क्यों के नहीं पता है। अब तुम हमारा जिंदगी में आ गई हो तो तुमको भी पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं। वेलु कृष्णा के हैं। धीरे धीरे पता चल जाएगा ना, सब आज ही बताएं का? खाकी वाले हैं, आराम से बताएंगे। आपका नाम तो खाकी है। ए, अरे हम कुछ कह रहे हैं ना। आप ही तो कहे थे। अरे ये सब काहे? हर बार खाकी जा रहा है, खाकी बचाएगा, खाकी सजा देगा, खाकी के सब बात माना, ऐसा कहते थे। वो है आपके ये सब बात सुन के हम समझे कि आपका नाम ही खाकी है। अरे खाकी का मतलब नाम नहीं है, जैसे लाल रंग है सफेद रंग है, वही तरह खाकी का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तुम्हारी समझदारी हमको ठीक नहीं लग रही है। ज्यादा मत बोलिए। टका करे, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है का? वैसे आप बताई भी नहीं किए, अभी समझा देते हैं ना, खाकी वाले का चीज कैसे करते हैं, आज तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। साहब डैनियल आपसे मिलने आए हुए हैं। आवा भाई। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। या तू जा जी। हमारे क्षेत्र में 148 गांव हैं,
ओमे से 16 को गांव में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। वो लोग के वोट हमारे जीते खातिर बहुत जरूरी है। कैसे भी करके पैसा ले जा रहे हैं तो वो इंस्पेक्टर चोर की तरह मार ले जा रहा है। ये जवाब हम ऊपर वाला के बता ही नहीं सकते हैं। हम खाली मंत्री नहीं है, जिला के सेक्रेटरी भी हम ही है। पार्टी के जिला में कोई समस्या आता है तो हम ही देखते हैं। ऐसे सब हमारा के इतना गर्व से देखते हैं। वो इंस्पेक्टर को टपका देंगे, ज्यादा हंगामा नहीं होगा। वो पिछला हफ्ता मिस हो गया। ठीक है, तुम्हारा बंदोबस्त खातिर अपना साथे रख के ओकरा जानकारी के बगैर काम पूरा कर लो। वो प्लान परसों मिस हो गया। अच्छा तो वो वेलू का क्या करें? ओकरा के कोनो भी तरह सस्पेंड करवा दीजिए बस। ये कैसे हो सकता है? आम दिन होता तो ये काम फट से हो जाता। अभी ओकर एरिया में इलेक्शन है, पूरा इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है। बस एक को कारण ले आओ, ओकरा बाद देखना सस्पेंड कराएंगे कि नहीं। क्या हुआ पापा, क्या कर रहा है यहाँ? रामाराव के बेटी के बारे में सोच रहा है का? वो सब छोड़ के काम पर ध्यान दे, नहीं तो खाए के लाला पड़ जाएगा। हम बैंक जा रहे हैं, तू ही यहाँ देखना। भैया भाई, का रे? बाप का माल समझा तू? बाप का माल दिखाई नहीं देता है? ऐसे काम करेगा? ऐसे काम करेगा? दिखाई नहीं देता है? काम नहीं होता तो भाग यहाँ से। अरे साहब, हमारे बेटा की कैसे मारे हैं देखिए साहब। 10 साल से हमारे बेटा उनके यहाँ गधा जैसन काम कर रहा था, बाकी वो का किए हैं देखिए साहब। साहब ये सब आपका भाई किया है। इंस्पेक्टर के भाई है तो ऐसे मारना सही हो जाएगा का? ये अन्याय खातिर के पूछेगा? रो मत, अभी जब तक हमको रोकेगा नहीं तब तक उसे मारेंगे। उसका जीप जला दिया ना हमने, ऑटो में आया है बेचारा। बेचारा।
एक क्षेत्र का जीते वाला कैंडिडेट है हम। हमारा आँख के सामने एगो निर्दोष के इतना बेरहमी से मारा है, कोई किसी पर भी कंप्लेन कर सकता है, लेकिन बीच रास्ता पर बेरहमी से मारे का अधिकार कौन कानून देता है? न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए। अपन अधिकार के गलत फायदा उठाया ही। हमने अपना अधिकार यूज किया ना तो सबको दिक्कत हो जाएगी। पेपर में पढ़ते नहीं है का? आज ही गुंडा का एनकाउंटर हो गया, कल उदादा का एनकाउंटर हो गया। ओहे पेपर में आप नहीं पढ़े का? बीच रास्ता पे पुलिस इंस्पेक्टर के तड़पा तड़पा के मार डाला। देखिए सर, काय फालतू की बहस कर रहे हैं, शांत हो जाइए। ये हर रोज किसी ना किसी को मारेगा, मार डालेगा, और ये सब देख के हम चुप रह जाएं? हम कोनो आम आदमी नहीं है, एक क्षेत्र का उम्मीदवार है। सस्पेंड कीजिए सर एकरा के। अगर सस्पेंड नहीं करेंगे ना तो जनता की गुस्सा आ जाएगा, फिर 10 गो बस चलेगा, 100 गो पुलिस वाला काटा जाएगा। इमोशनल मत होइए, ये बात के इतना बड़ काहे बना रहे हैं? ये पारिवारिक मामला है, राजनीतिकरण मत करिए। सुनिए अब का करना है आप ही बताइए। साहब एगो पुलिस वाला हमार बेटा के मारा है, हमके बहुत दुख हो रहा है, मन बहुते दुखी है जी। यहाँ डेनियल जी हैं, कमिश्नर साहब आप हैं, तो सबके सामने हमारे बेटा के मारे वाला ही पुलिस वाला से हाथ जोड़कर माफी मंगवाइए, तबे हम ही झगड़ा सुलझाएंगे। ए, यही खातिर आए होगा, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे सा, बात सा, नहीं, थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये सब का है सर, ये आपका जान बचाया था, एकरा पे आप बेलू माफी मांगो। हाँ तो मिस्टर मक्खन, हमने आपको मारा, गलत किया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जैसन कि आप देखे माफी मांग लिया। ये सब कहा है, हम लोग का आपस में बन नहीं रहा था, इसे दूर रह रहे थे ना, अब हमको कम से कम शांति से जीने दो। काहे झगड़ा बढ़ा रहे हो? हम भगवान से बस एक ही को चीज मांग रहे हैं कि हम लोगों का मिलन ये आखिरी बार हो। ये कर स्टाइल। ये का है फिर से? ये हमारा परिवार का मामला है सर, हम आपस में सुलझा लेंगे, दोबारा से माफी मांगते हैं। चल जा, जाइए से। का भाई, ये क्षेत्र के एमएलए होके वाला बड़े ना, ले 100 रुपया। काहे खातिर? ऑटो से जाए खातिर। हम काहे ऑटो में जाएंगे? भैया भैया, हमने के दोनों कार जल रहा है। अरे पानी ला रहे, अरे अरे मिट्टी फेंक, अरे धूल, अरे अरे बाप, अरे जीप जल गई, अरे अरे। दंगा में जले वाला आग के ये फर्क नहीं पता चलता है कि कौन गाड़ी पुलिस की और कौन नेता की है। वैसे भी कमिश्नर ऑफिस में हो, लगे हाथ एक कंप्लेन करवाते जाओ। जलावे वाला कौनो भी इंसान हो, ढूंढ के तुम्हारा सामने खड़ा कर देंगे उसे। और हमारा करेक्टर के बारे में तो जानते हो ना, आईना की तरह है हम। प्यार से रहोगे तो प्यार से रहेंगे, आग लगाओगे तो जला के राख कर देंगे। ऑटो ए ए ए लकी लकी। अरे क्या है तू? आवा आवा, कर्तव्य के ईमानदारी से निभाते हो ना, आवा आवा। नमस्ते साहब। का समझते हो तुम खुद को? सुने आजकल बहुत रूल बता रहा है सरकार, अगर ठान लेना तो तोर का करेगा पता है ना? ये रूल्स के बना के फॉलो करे खातिर आपके सरकार है ना सर, उल्टा हमसे जबान लड़ा रहा है। जैसे सवाल पूछे उत्तर वैसे ही दे रहे हैं, हम कहां जबान लड़ाए? ये का है तारा पता है? हमरा के 3 महीना में सस्पेंड करे के स्पेशल ऑर्डर है। तुमको असल में यहाँ काहे खातिर बुलाया गया है ये पता है तुमको? पता है सर, हमरा के यहाँ बुला के ये ऑर्डर देवे के बाद ना, हमरा एरिया के चेक पोस्ट को पार करवा के पैसा पब्लिक में बांटा जाएगा सर। हार गया यार, नेता अगर ठान लेगा तो देश में कुछ कर सकता है। चल रहे 3 महीना खातिर तू सस्पेंड, अब तक इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाएगा, ओकरा बाद इज्जत से आके बड़का को हार ला के ई मंत्री जी के गला में पहना के अपन ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ऐसा नहीं होगा सर। काहे रे? तब तक आप भूतपूर्व मंत्री बन चुके होंगे। का बकवास कर रहा है? हमरा कंट्रोल वाला एरिया में पैसा भिजवाया जा रहा है सर, और 18 तारीख को इलेक्शन है, और आप हैं राजनीति में सबसे बड़ा रोड़ा, 25,000 से ज्यादा वोट से जीतने वाला कारनामा होने वाला है यहाँ। ओकरा बाद का होगा? पूरा जिला में वो भारी बहुमत से जीत जाएगा, आपका मंत्री पद उमार ले जाएगा, आपके सामने घूमेगा, आप काली 512 वोट लेकर के यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, और वो मामूली सा एमएलए आपके सामने ताव से खड़ा रहेगा। एक बार आप गिनती करके देख लीजिए, खुद ही आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 महीना बाद मिलते हैं सर जी। ए रुक यार, तू ऑर्डर हमरा के दे,
अरे सही सही बतावा, अभी हमरा के का करे के ही बतावा। इस सस्पेंशन ऑर्डर फाड़ के फेंक दें, उकरा के हम अपना तरीके से देख लेंगे। ये बात हम लोग के बीच में रहेगी। अरे आप बैठ जाइए ना। ऐसा करो कि इलेक्शन होना चाहिए, बाकी उकरा जीतना नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं। एका है, चश्मा पीछे का है रखा है। वो कहा है कि फेस टू फेस वार करे वाले से ज्यादा ना पीछे से वार करे वाला खतरनाक होते हैं। वह है लोग के देखे खातिर ही तीसरा आंख है हमारी। वेरी गुड। साहब एकरा के डाल के समय मिलाने को कहे है, का है मुंह से बास ना आवे, यही खातिर जूस होगा। जल्दी डाल, टाइम हो रहा है। काफी है, सब डाल दे रहे। बस 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 सर, ये जमाने में दारू मांगने पे अचानक से सब लोग गायब हो जाते हैं, कहीं दिखते ही नहीं है। बकाया मांगने में फिर 10 को खंबा खरीद के हम लोगों को खुश कर दिए। वैसे वाला जूस भी मिक्स कर दिया है। आपको छोटा वाला चाहिए कि लार्ज लाके दूं? ये सब हम लोग के खातिर नहीं है। हाथ में आया बाकी लीवर तक नहीं पहुंचा, एक ही कारण का है, जान सकते हैं का? जौन हम कह रहे हैं वो करो, खुद ही पता चल जाएगा। वाला के चना भी नसीब में नहीं होगा। 101, 102 सबके लिए कैसे चला? ए पुण्य मूर्ति, आज तू साइड डिश वाला। ए हमारे साथी लोग, क्वार्टर पीने के बाद कटिंग के लिए किसी के हाथ मिला लेने वाले भारतवासियों, बारिश के बहाना बना के रम पिए वाला दोस्तों, धूप के बहाना बना के पिए वाला पियकड़ो, एक वाटर पैकेट में क्वार्टर मिलावे वाला, पानी के कटौती करे वाला जनता सब खातिर एगो खुशखबरी बा। आज श्री पुण्य मूर्ति जी के जन्मदिन के मौका पे तुम सब लोग को उचित रूप में परोस रहे हैं। डालो डालो डालो, बोल रहे हो आज हमारा जन्मदिन है। साहब का ऑर्डर है, अगर तुम इन सब के बीच में आए ना तो सर से पैर के बीच में। अरे भाई एंजॉय करो, एंजॉय करो। ए ए ए अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ए सर, साहब ओकरा में काम मिलवाए थे, एगो बेहोश हो गया। ओके दाना साहब, सबको उल्टी हो रहा है साहब। ओके सर, सब लोग तड़प रहा है सर। ए कमीना, कहीं का एकरा के पिए के नहीं मिला तो उस सब के दुख को कैसे खुश होके बता रहा है। देखिए साहब, अंदर तड़प रहा है सब। एम्बुलेंस के फोन करा, ओकरा आवे के बाद ही लोग के लेके जाइए। सर ओकरा में काम मिलावे खातिर कहे थे। जहर, जहर, अरे बाप रे, ज्यादा बोल मत, चल। जहर का परीक्षा का है सर? ताकि हम पास हो जाएं। एक गांव में एगो शराब खाना में शराब पिए वाला पूरे 12 लोग पेट दर्द होने से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनका इलाज करे वाला डॉक्टर बलराम बताए कि उन लोग के जान के खतरा नहीं है। उन लोग जौन बोतल से शराब पिया था, पुलिस ओकर जांच कर रही है और कारण पता लगाने में लगी हुई है। एकर कारण के पता लगा के पुलिस अपराधी को सजा जरूर दिलाएगी। कल तक टीवी से सुधा। कोनो द्वारा पैसा का पता ना चले, इसीलिए बॉस पैसा कवर में रख के दे रहे हैं। ओकरा के कंट्रोल में रखे वाला मंत्री भी छोड़ दिया, इतना सारा पैसा आग के सामने से ले गया। खर्चा खाते जो लोग पैसा मांगने आए उनको का बोले? हमको अब भरोसा कम ही लग रहा है कि हम जीत पाएंगे। लेकिन हमरा है, जीत जाएंगे, एकर भरोसा है, हमरा भरोसा है। हमारा आदमी को धोखेबाज बना दिया ना, ओकरे तरह ओकरे एगो आदमी के हम धोखेबाज बनाने हैं। हमरा कुछ समझ में नहीं आया। बॉक्सिंग में दूगो तरीका होता है, एगो डायरेक्ट मारना, दूसरा इनडायरेक्टली मारना। हम लोग लीगल तरीका इस्तेमाल किए, ओकरा बाद इलीगल तरीका, बाकी अब इस्तेमाल करेंगे नया तरीका। का रे, पीछे का दरवाजा ठीक से बंद किया ना? अरे बंदे कर दिए होंगे ना, इतना चिड़चिड़ा का है रहा है। निर्मला के बाबूजी ने पैसा दिया था ताकि शादी हो सके, वो नहीं हुआ, तो फिर वो सारा पैसा जो है हमारा पास कहाँ रखा हुआ है अभी तक? कहा है ना उनके बाबूजी जी, हम शादी खातिर मना किए थे का? वो रामा राव ही मना किया था ना। अगर ओकरा पैसा वापस चाहिए तो ओकरा मांगे दो। जल्दी
जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कौनो देखने ना पावे। भाई ऐसे आना जेसन, रोड पर अकेले काहे घूम रहे हो? बाबूजी का तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में भर्ती करवाए हैं, मिल भी जल के खाक हो गया, का करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे रोड पर खड़े हैं, कुछ मदद होगा का हमारा? पिछला बार तहर मदद किए थे तो कमिश्नर के ऑफिस में, सबके सामने हमारी इज्जत चला गया था, काफी नहीं है का? अब नहीं हो सकता। ए, स्टार्ट कर। साहब एक बार हमारा भरोसा करके मदद कीजिए ना साहब, हमारे बाबूजी को बचा लीजिए, बहुत ही दिक्कत में है। ठीक है बैठ। वो देखो जॉन बैटिंग कर रहा है ना, वो मिनिस्टर के आदमी है, ये हमारा आदमी है, एकरा से अगर कहूंगा कि जाके ओकरा के मार के आव तो काहे खातिर ऐसे कारण नहीं पूछता बैठेगा और जाके बेरहमी से मार के आएगा। और अब तू कह रहा है कि हमरा खातिर काम करेगा, अगर ये काम हम तहरा के कहे तब तू का करेगा? ए भाई बोल देना। सुनो डेनियल का गाड़ी आ रहा है। रुको 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 रुक जाओ। का भाई लगता है तू राजनीति में घुस गया है। का है घुसना नहीं चाहिए का, लेकिन ये पार्टी में घुसे हो तुम्हारे भैया को पता है? काहे पता चलता चाहिए, हम उसको काहे बताएंगे, जब देखो तब हमको परेशान करता रहता था, वो दिन हमारी शादी तोड़वा दिया, तुम ही तो थे उसके साथ। इतना सब बात खातिर इतना काहे खिसी आ रहे हो? हम ऐसे ही खिसी आते हैं, अब का है हम ड्राइवर बनके मेहनत कर रहे हैं तो तुमको काहे खराब लग रहा है, तुम जाओ यहाँ से। अरे भाई ऐसे गुस्सा काहे कर रहे हो? ए, गेट खोलो भाई। अब जाओ भाई। यो कर आकार में कहे जा रहा है? कुछ नहीं सर, आपका भाई ओकर ड्राइवर के रूप में ओकरा ही पास का है, और कोनो जगह नहीं मिली का उसको? का हुआ जी? फोन काट रहा है, दरअसल दिमाग से पैदल है, कौनो भी काम करता है तो बिना सोचे समझे करता है, कौनो बात मानता भी नहीं है, शर्म होती हमको कि हमारा भाई है। आज हम पहला बार आपके मुंह से भाई के बारे में कुछ सुन रहे हैं, ये अगर वो सुनेंगे तो जरूर खुश हो जाएंगे। फोन उठाएगा तब सुनेगा ना सर, हम मंत्री जी के गेस्ट हाउस में ड्यूटी पर जा रहे हैं सर। हाँ ठीक है जाओ। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप कौन है? आईडी प्लीज। एकरा में मंत्री जी का फेवरेट आम है, अंदर ले जा और दे दे। हम कहे देंगे लेकिन आप भी तो दे सकते हैं। का रे क्यों, काहे खातिर ऐसा काहे पूछ रहा है, का बोल के काम करे आया था? ए तू जाके दे रहे तो निकल और सामने दिखाई मत देना, तुम्हारा बाप अस्पताल में जाए तो बेचारे के काम दे देते हैं, सोचे अब तो हर बाप मरता है तो मर जाए, हमारा का करना है, तू जाके दे दे। रुको 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 रुको, अनजाने में गलती हो गया, हम दे के आते हैं अभी। ए रुक जा, ये के भेजा है पूछे तब कहना है कि तहार भैया वेल्लू कृष्णा ने भेजा है। ठीक है जा। हे आईडी दिखाओ, शो मी योर आईडी, चलो जाओ जाओ। कौन हो तुम, ये क्या है? भैया हम वेल्लू कृष्णा के भाई हैं, कोई अंदर नहीं जाएगा। ठीक बा, ठीक चलो, बा, चलो चलो हम करता नहीं, चलो यहाँ से। वन सेकंड, का बात बा? भैया हमको ये देना था भैया को। हाँ ठीक बा, ठीक बा, आइए। इंस्पेक्टर साहब ना आप खातिर आम पिछले बड़े, ये उनके छोट भाई बड़े। नमस्ते साहब, हम वेलू कृष्णा के भाई हैं, ये आपके लिए था। ला ले जा।
एका है भाई, भैया फोन के तो तुम उठाए काहे नहीं? बार बार तुमको भाई भाई कह के बुला रहे थे। वो ऊपर से कठोर है, बाकी भीतर से बहुत ही अच्छा है। तुम डेनियल के पास गए हो, कितना दुखी हुए पता है तुमको? एगो बात सुनो, तुमसे बड़े हैं ऐसे कह रहे हैं, तुम जो रास्ता पे जा रहे हो सही नहीं है। जाके अपना काम करो, जा। इला गंभीरता से इसका विचार कर रही है और हम लोग के कौनो भी सबूत मिला कि एकरा पीछे केकरा हाथ है तो एकरा कानून के सामने गर्दन पकड़ के खड़ा करेंगे। वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। मंत्री जी का बलिदान खाली नहीं जाएगा। हादसे में मारे गए लोगों को ये पुलिस अपने दिल से श्रद्धांजलि देती है। मंत्री जी का लाश शमशान तक पहुँच गया है, अंतिम संस्कार का तैयारी हो रहा है। आएंगे, प्रचार करेंगे, जीतोगे, ये उनका आखिरी शब्द था हमारे खातिर। साहेब, आपका बेरहमी से जहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा हुआ वो हमारा क्षेत्र पाप करे वाला भूमि बना है। पाप के हम कैसे सुधारेंगे? वेलू, वेलू होगा ओकरे से ही सुधार सकते हैं। ये सच है, ये हमारा अकेले का कहना नहीं है, ओ क्षेत्र के सब लोग का ही है कहना है। इस हादसा से हमको भी दुख हुआ है। अब ये क्षेत्र की जनता का परिस्थिति फिलहाल कैसा है, आइए अभी हम लोग जान लेते हैं। मारा गए हम अपने नेता के, कसम खा के कहता नहीं, हमने के प्रत्याशी बॉक्सर डेनियल के हमने जरूर जिताई। बॉक्सर डेनियल एमएलए बनेंगे, होने वाला सीएम भी हुए होंगे। क्या बात है, हम सबका वोट डेनियल जी के ही जाएगा, उनका के जिता के ही रहेंगे। हमारे इलाके में 24 घंटा पानी आ रहा है, मतलब ओकर कारण मंत्री जी ही है। हम लोग का वोट डेनियल के ही जाएगा। राजनीति कैसे होता है देखा दिया ना। अब की बार जीत तो अपने होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दामाद जी। भाई वो आ रहा है। अरे आओ भाई, आओ आओ आओ। ठीक है सर, हमको बिना बताए हमारा हाथ से बम भिजवा दिया आप। बता देते था तू लेके नहीं जाता ना। भाई तुम राजनीति समझ लो, एकरा में ऐसा सजा दिया जाता है जौन सबके पता चले और काम ऐसा करवाना पड़ता है कि केहू के पता ना चले। हम सब एक ही है, ऊपर बताना पड़ता है, सबसे हंस के ही वोट मांगना पड़ता है और जरूरत पड़े तो टपकाना पड़ता है। तोर भाई के मारना पड़ेगा, तोर भाई साधारण आदमी नहीं है। कौनो ना कौनो इंक्वायरी करके हादसा का असली कारण पता लगा लेगा और पता लगा लेगा तो टपका देगा। यही से तुम जल्दी से भाई के टपका दे। का यार, अपन सगा भाई के थोड़े ना मारने हैं जे इतना सोच रहे हो। जिंदगी में दिन ब दिन तो मार ही रहा था ना, तू ओकरा के एक के बार में मार दे का भाई। हाँ भाई। कल अगर तहरा कुछ हो गया तब तोर बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? तू जाके ओकरा के मार के आ जा, तोरा के एक अद्भुत तोहफा देंगे।
लगा था काम हो गया। काई वो डेनियल तोरा को मारने खातिर ई दी के भेजा है तो फिर मार देना हमरा के माफ कर दे भैया तोरा और भाभी से माफी खातिर हम यहाँ पर आए हैं भैया हम अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया हम बाबूजी के बचावे खातिर उससे मदद मांगे थे हमको और कोई रास्ता नहीं सुझाए भैया बस बाबूजी को कोनो तरह बचाना चाहते थे बहुत बड़ा गलती हो गया हम अपना आपको मार लेंगे भैया भैया छोड़ दो आपके कुछ नहीं होगा पैसा हम जमा कर दिए ऑपरेशन होगा वो भी अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं हम अपना आंख में आपके लिए गुस्सा और नफरत जानबूझ के नहीं किए ओकर वजह आप ही हैं जब हम छोट बच्चा थे तो हमारे बाबूजी हमरा के छोड़ के चले गए हमारी जिंदगी में दूसरी दुर्घटना तब हुई जब हमारी माँ चली गई तुमरा और हमरा बीच के प्रॉब्लम का है जानते हैं आप हमारी इज्जत नहीं किए हमको ये शिकायत नहीं है आपसे जौन हुआ तौन हुआ आप अपना जगह सही थे हम अपना जगह सही थे हमको जौन समझ में आया हम किए आपको जौन समझ में आया आप किए गलती क्यों की नहीं है इंसान है गलती तो सबसे हो जाती है आपसे भी थोड़ी हुई हमसे भी थोड़ी हुई अरे हम कोनो भगवान थोड़ी ना है आपको पता है दरअसल बात यह है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोचते थे लेकिन हमारी माँ हम दोनों को एक जैसा प्यार करती थी और हाँ हम ही कभी नहीं कहेंगे कि हमारी माँ माँ नहीं भगवान है लेकिन हाँ हमारी माँ भगवान से कम भी नहीं थी अगर वो जिंदा होती ना तो आज ये सब नहीं होता मानते हैं कि हर इंसान अपना हक के खातिर लड़ता रहता है अगर वो ही नहीं रहेगा तो जिंदगी बेकार है अगर तू भी चल गईला तो हम झगड़ा के करासे करेंगे हाँ आज तक हम तुमको एक शब्द नहीं बोले अगर हम बोलेंगे तो तुमको तकलीफ होगी और अगर आज नहीं बोले तो हम के ज्यादा तकलीफ होगी बाबूजी बाबूजी विपक्षी नेता मुर्दाबाद हमारे नेता के जिताएंगे विपक्षी नेता मुर्दाबाद हमारे नेता के जिताएंगे विपक्षी नेता मुर्दाबाद हमारे नेता के जिताएंगे फिनिश कर दिया भाई अच्छा क्लीन फिनिश कर दिया आवा 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 जनता के देखे ना एमएलए बने से पहले ही पैसा तोहफा बरस रहा है सब तहरे कारण हुआ है तहरा के देख के हमरा के बड़ा गर्व हो रहा है एकरा बदले तहरा खातिर कुछ तक करे के होगा ना पैसा पदवी छह एकरा से बढ़ के तहरा के कुछ देना है यार जैसन हम तहरा से कहे थे एगो अद्भुत तोहफा इले रख ले इत हमरा माँ का है ये आपके पास कैसे पकड़ो
टेंशन दे रहा है। तोर माँ के मारे वाला हम ही हैं। वेलो, ए वेलो, कहाँ है रे? कौन हो तुम सब लोग? बेलुआ के माँ। ओ, नमस्ते माई, आशीर्वाद दीजिए। हम एक क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। हमारा जैसा अच्छा इंसान जब देश का भला करना चाहता है तब तहर बेटा बीच में आ रहा है। कहाँ है पैसा? हमारे जीते का एक ही रास्ता है, उतू है। कहाँ है बताओ? ए, जाके देखो पैसा कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है? नहीं बताएगी क्या? कहाँ छुपा के रखा है ये बताओ। कहाँ है बताओ, हम पूछ रहे हैं। कहाँ है पैसा बताओ, अगर नहीं बताएगी तो हम नहीं छोड़ेंगे। बोल कहाँ है पैसा, कहाँ है? बोल, नाटक मत कर, बोल जल्दी पैसा कहाँ है? बोल, अगर नहीं बताएगी तो तोड़ के मार देंगे। बोल, बहुत तड़प रही है ना, इका तड़पना बंद करा दूँगा। इका है, ई के बिना तो तड़पेगी ना, तड़पती रहे। तो बेटा, नहीं, बता, पैसा कहाँ है बताओ, बोल। बोल, बोल जल्दी। तो तड़पना बंद करा दूंगा, बहुत तड़प रही है ना, तो तड़प बंद करा देता हूँ। बंद करा दो, बंद करा दो, बंद करा देता हूँ। ए सुन ले, इलेक्शन का टाइम है, हम यहाँ आए हैं कर कौनो सबूत नहीं होना चाहिए। सब सामान ठीक कर दो, याद के तौर पर ये हम रख लेता है। फुसफुस, उनकर याद में कुछ होना चाहिए, ऐसे ले आए थे। खाली तोर माँ के मारे वाला ही ना, तोर मिल के जलावे वाला भी हम ही है। छोड़ हमरा को। अगर तोरा के मार के दफन कर दें तो हमरा खिलाफ जाए वाला के पूरा परिवार के बर्बाद कर दिए, एक और खुशी होगा तोर परिवार में, तू अकेला बचेगा तो क्या फायदा, चल मर जा। हेलो डेनियल, शंकर लिंगम बात कर रहे हैं। बोलिए ससुर जी। दामाद जी, वो सब खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हैं? तोर सदा जी है ना, वो गवाह बन के पूरा सच उगल दिया है। नहीं नहीं, उगलवा लिया है वेलू कृष्णा ने। वेलू कृष्णा? और ना था, और कौन करेगा? वो तो कब का मर गया था ना। पहले टीवी चला के देखो, वो कितना तेज चल रहा है। हमारा नाम सदा है, हम डेनियल के पास 10 साल से काम कर रहे हैं। सहानुभूति पाके चुनाव जीत जाए ऐसे मंत्री जी को बम से मरवाने वाला ये डेनियल ही है। बम जहाँ से खरीदा गया और रोके रखे खातिर राम जहाँ से खरीदा गया, वो सब हमका पता है। इतना नहीं, हम कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। देख लिए, तुम्हारा राजनीतिक जीवन का शुरू में समाधि बना के अरेस्ट वारंट के साथ आ रहा है। तेरा बाप आ गया देख लो। देख रहा के कार में चढ़ा लो। चल जल्दी चल। Thank you.
जल्दी चल। के पहना वो स्टॉप फायर मार रे मार रे मार ना मार आईना है आईना है कह के बड़ाई करता था आईना से ही तो रखे उल्लू बनाए कारे आईना बिखर गया बिखर नहीं गया तेरा सामने खड़ा हो गया है भैया अम्मी की अम्मा को बेरहमी से मार दिया इसने एकरा को मत छोड़िएगा नहीं बताएगी क्या जल्दी बताओ हमरा के बोल Oh!
Oh,